कृष्णो तदीय पाद पंकजो पंजरान्ते अद्वैव मन मे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रयान समय कौफवात पृथ्वी कंठावरोदनम विदु भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते। सिसिलो भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं जे स्वरूप गोसाई जी का जो विचार है, स्वरूप गोसाई जी का जो विचार है वो विचार को गौड़ीय समाज सबसे ऊंचा मानता है। स्वरूप गोसाई का जो सिद्धांत तो है, जो विचार है, उसी को कोष्ठी पाथर माना गया। कोष्ठी पाथर जानते हो, कोष्ठी पाथर जिसके द्वारा सोने का असली नकली सब जाना जाए। सोने को कोष्ठी पाथर के ऊपर घिसो और बता देगा ये पक्का सोना है कि कच्चा सोना है, जो भी है सब बता दे। सिलो स्वरूप गोसाई का जो विचार है इसी को गौड़ीय समाज कोष्ठी पात्र मानते हैं। किसी का भी कोई सिद्धांत हो, को आचरण हो, आदर्श हो, कुछ भी हो, दैट शुड बी टेस्टेड बाय स्वरूप गोसाई। स्वरूप गोसाई का जो विचार का पद्धति है उसके द्वारा आपका विचार, आपका सिद्धांत तो अगर अनुमोदित हो गया तो पक्का है, नहीं तो होगा नहीं। स्वरूप गोसाई सुबह में बताया था साक्षात परात्पर अखिलेश्वर चैतन्य महाप्रभु स्वरूप गोसाई को पूरा तमाम गौड़ीय वैष्णव समाज का आचार्य बना दिया। आचार्यों का क्या काम है? आचार्यों का काम है संप्रदाय का संरक्षण करना। कई ऐसा ना हो जाए कि संप्रदाय का अपमान हो जाए, संप्रदाय में कोई अव्यवस्था फैले हुए हैं, संप्रदाय में कुछ उत्पटांग विचार आया है, ये सब समाधान करना आचार्यों का काम है। आचार्य इसीलिए आचार्य जगत में आते हैं, आचार्यों का काम ही ये है। सुबह में बताया था ये सब विषय, स्वरूप गोसाई का कितना बड़ा दायित्व तो है। जब भी कोई लेखा, जब भी कोई कविता कुछ भी हो, कोई लाए श्रीमन महाप्रभु को जरा सुनाना, तो ये नियम था, महाप्रभु ये नियम बना दिए थे। महाप्रभु का ये नियम था कि पहले वो लेखनी, वो लेखा राइटिंग्स जो है, वो लेखा पहले आएगा स्वरूप गोसाई का हाथ। स्वरूप गोसाई विचार करके अगर देखे उसमें कोई रसावास सिद्धांत विरोधिता आदि कुछ नहीं है, तो स्वरूप गोसाई बाद में श्रीमन महाप्रभु को सुनाएंगे। ये नियम था पूरा नीलाचल क्षेत्रों में, यही व्यवस्था था। सुबह में चर्चा हो रहा था नाम का कितना महिमा, संकेत के द्वारा कैसे भी हो नाम अगर लिया जाए उसमें मंगल ही मंगल होगा, इसमें अमंगल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात है, नाम शुद्ध नाम हो सकता, नाम कभी नामाभास हो सकता, नाम कभी नाम अपराध बन जाए, इस विषय में हम लोगों को सावधान रहना पड़े। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद को कभी भक्त लोग पूछते थे, प्रभुपाद आप इतना कठोर नियम बताते हो, इधर मत जाना उधर मत जाना, यह जाने से भक्ति नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग फिर कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए, कहाँ थोड़ा बताओ कृपा करके। प्रभुपाद जी ने बताया देखो
जहां कम से कम नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो रहा है वहां जा सकते, कम से कम नाम अपराध नहीं, नामाभास है ठीक चलेगा, नाम अपराध कम से कम ना हो, और जहां नाम अपराध हर वक्त होते रहता है वहां बिल्कुल मत जाना, वहां जाने से भक्ति सप्तनाश हो जाता, रहता नहीं। यही विचार था। वर्णाश्रम बारे में भी सुबह में बताया था, वर्णाश्रम में ब्राह्मण बोल के बहुत आदमी परिचय देता, हम महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब, ये जो सेग्रीगेशन है, ये जो वर्णाश्रम का विभाग है, ये सत्य युग में ऐसा नहीं था। सत्य युग को कृत युग बोला जाता, कृत युग। सत्य युग में जन्म का साथ साथ ही लोग कृतार्थ हो जाता था, ऐसा ही नियम था। तो बाद में ब्राह्मण वैश्य शूद्रो क्षत्रिय ये सब जो भाग है ये सब किया गया। अब समाज का जो अवस्था हो गया, इसमें कोई आदमी अहंकार करके बोले कि हम ब्राह्मण हैं, कैसे माना जाए, इसका विचार आएगा। 11 स्कंदों जब चर्चा करे तो वर्णाश्रम विभाग, उसका सेग्रीगेशन और वर्तमान समाज का जो अव्यवस्था, सारे उसमें चर्चा आएगा। वास्तविक ब्राह्मण कौन है, कोई अगर पूछे ब्राह्मण कौन है हमारा, तो इसका उत्तर क्या दिया जाए। नहुष महाराज को जानते हो, नहुष महाराज नाम, नहुष महाराज सांप के द्वारा सर्पजोनि प्राप्त हुआ, उसका प्रसंग आएगा बाद में। ये नहुष महाराज को युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखिए बात यह है कि समाज का जो व्यवस्था, इस व्यवस्था में कठोर जो विभाग पहले था, अब बाद में ऐसा हो गया कोई भी जो अपने को प्रोटेक्शन देना वो संभव नहीं। इसमें क्या हुआ, स्त्री पुरुष कौन किसको शादी करे इसका कोई विचार नहीं रहा, इसमें वर्णों संकर फैल गया। वर्णों संकर होने के कारण वर्तमान समाज में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई विशुद्ध ब्राह्मण है क्या है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं संभव नहीं, क्योंकि ये समाज का ये संसार का कोई भी आदमी किसी भी कैसे भी शादी कर ले किसी, और उसका बाद बच्चा तो संतान होगा, तो इसमें कोई शुद्ध विचार बनाना बहुत मुश्किल। तभी एक विचार है, परंपरा के अनुसार सात पीढ़ी अगर शुद्ध ब्राह्मणत्व को प्रोटेक्शन के लिए बहुत चेष्टा है, उसका लड़का उसका जो लड़के सारे 7 पीढ़ी तक तो बोल सकते हो, हाँ कम से कम मोटा मोटी ठीक, फिर भी ये विचार ठीक नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम विचार में भागवत में आएगा, सप्तम स्कंद में भी है, 11 स्कंद में बहुत सुंदर विचार है देखोगे। और वो भी अगर नहीं हुआ, कम से कम 4 पीढ़ी तो पकड़ लो, 4 पीढ़ी कम से कम, 7 पीढ़ी अगर ना 4 पीढ़ी कम से कम, ये भी ठीक नहीं है। यशो यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णा विव्यंजक, ये जो श्लोक है तदन्नत्र दिशेत तत्ते नैव विनिर्दिशेत, इस श्लोक है। अभी प्रश्न आता है तो ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण नहीं है क्या, इसका विचार आया, ये ब्राह्मण किसको बोले। पहला प्रश्न आता है कि ब्राह्मण क्या शरीर है, ये शरीर का ब्राह्मण है, शरीर रक्तमंस का सात बोले तो हो ही नहीं सकता, शरीर कैसे हो, शरीर को ब्राह्मण कैसे बोले, ये आदमी है ये शरीर को ब्राह्मण बोले, तो शरीर को अगर ब्राह्मण, क्योंकि जन्म जो है कई तरीका से जन्म होता है, और शास्त्र देखो वैशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ है कहाँ, अगस्त मुनि का कहाँ कैसे जन्म हुआ है, ऋषभ सिंह मुनि का कैसे जन्म, हरिन से आदमी से ही होता है, ऐसे कलसी से, अगस्त मुनि के कलसी से कुंभ जोनी, तो हैरान की बात है, सारे तत्वविद है, तो कैसे आप विचार करोगे, बोले ये शरीर भी ब्राह्मण नहीं है, मन ब्राह्मण है, मन ब्राह्मण है, बोले ना मन भी ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण है कौन,
किस चीज को, जाति को ब्राह्मण बोला जाए कि ये स्कूल में खानदान में पैदा हुआ इसी को ही ब्राह्मण बोला जाए। चलो शास्त्र बोला नहीं है, ये भी हो नहीं सकता। किंतु क्यों, कई ऐसा उदाहरण है, कोई वर्त तो कन्या से व्यासदेव का आविर्भाव हुआ, कोई वर्त तो कन्या साक्षात भगवान का सक्ताविश अवतार भी नारायण स्वयं, कोई वर्त तो कन्या, कोई वर्त तो मानव मछुआरे जो है उसका कन्या। अब कैसे विचार करोगे, क्या व्यासदेव जी ब्राह्मण नहीं है, हाय राम साक्षात नारायण, तो ऐसा विचार नहीं चलेगा। बज्रो सुचिको उपनिषद, बज्रो सुचिको उपनिषद बोल के एक उपनिषद है, उसमें ब्राह्मण का संज्ञा दिया गया, जो हम तो शॉर्ट में बताते, बहुत लंबा चौड़ा है। जिसका जिंदगी में कोई परिताप बोल के कोई विषय नहीं है, अनुताप परिताप शोक बिल्कुल नहीं है, जो हर वक्त अप्राकृत आनंद में झूमते हैं, जिसका जिंदगी में कुछ प्राप्ति होना कुछ खोना इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता, जिसके हृदय में हर वक्त जो अप्राकृत विषय में ब्रह्म विषय जो है हर वक्त अपना जो हृदय है उसको लगा के रखे हैं, सदा संतुष्ट, सदा भगवत चिंतन में, ये जो ऐसा जो स्थिति है इसको उसको ब्राह्मण बोला जाए। ब्राह्मण वही है, मतलब शुद्ध अंतकरण वाले, जो अंतकरण जो है वो शुद्ध अंतकरण जो ठाकुर जी का सेवा में लग सकता है उसी को ब्राह्मण बोला जाए। अर्थात जिसके द्वारा ठाकुर जी का, ठाकुर जी कौन, विष्णु तत्व, हम ठाकुर जी बोल के सब दुनिया का उठाया नहीं, कम से कम विष्णु तत्व का जिनके द्वारा आराधना संभव होए, कम से कम। और वैष्णव तत्व तो कहां है, वो तो पूछने जाओ तो पागल हो जाओगे। श्रील हरिदास ठाकुर कौन सी खानदान में पैदा हुआ, जवन कुल में, जिसको चैतन्य महाप्रभु गोदी में उठाकर नित्य किया, गोदी में उठाकर नित्य किए, स्वयं उसको समाधि दिए और ऐसा प्रतिज्ञा करके बोले महाप्रभु हरिदास का निर्जान में जिन्होंने अंश ग्रहण किया, आया बालुका दिया, जिन्होंने नित्य कीर्तन किया, और वो भी नहीं जिन्होंने कम से कम जिन्होंने महाप्रसाद पाया हरिदास का, सब कितकितार तो हो जाए, इतना आशीर्वाद इतना बड़ा, हाय राम। बोले कम से कम जो प्रसाद भी पाया वो भी कितकितार तो हो जाएगा, इतना बड़ा बात है। इसका नाम है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये कोई मामूली बात नहीं। बाजार का आजकल जो है, बाजार का कोई भी व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अर्थात गौड़ीय मठ का विचार को उठाएगा नहीं, बिल्कुल डरता है। दुनिया भर का कचरा उदाहरण लेके भागवत कथा का अंदर डाल दे, दुनिया भर का कोई मतलब नहीं, मूल कथा जो है वो स्तब्ध है, लेकिन कीचड़ है, सब कुछ है, सब कुछ वास्तव विचार नहीं है। एक भी आदमी गौड़ीय मठ का विचार उठाएगा नहीं, बड़ा कट्टर विचार गौड़ीय मठ का। अभी चर्चा होते होते सुबह में आया था जी, अजामिल जी, अजामिल बोल के जो सबसे ऊंचा खानदान का, इतना ऊंचा खानदान का कन्नुकुब जो है, कन्नुकुब जो गोत्री हमारा सनातन रूप है, सब कन्नुकुब जो गोत्री, कितना दैन्य है महाराज, हम नीचा संग किया, नीचा हम जगन्नाथ मंदिर में जाने से, हमारा छाया का जगन्नाथ मंदिर का पंडा का तो मुश्किल, इतना दैन्य, इतना दैन्य। जिंदगी में किसी का ऐसा दैन्य सिद्ध हो जाए, होइलो सर्वगुणी गुणी महाशय प्रतिष्ठा आशा तेजी करो अमानी हृदय, हरी कथा तो बहुत आदमी बोलता है, किसका हृदय में प्रतिष्ठा का वासना है, किसका अंदर में युक्त वैराग्य है, प्रतिष्ठा का वासना नहीं है। जितना भी प्रतिष्ठा मिले, प्रयास प्रतिष्ठा मिले,
सारे प्रभुपाद जी को भक्तिविनोद ठाकुर को गुरुवर्गो के दे दे, ऐसा विचार अगर है तो प्रतिष्ठा तो मुश्किल का कारण नहीं है, बड़ा ऊंचा विचार है। होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा सा तेजी करो अमानी हृदय, प्रतिष्ठा सा ना रहे, जब तक प्रतिष्ठा सा रहे कामिनी कांचन का वासना रहे तब तक हरि कथा उसका जवान से निकालने वाला नहीं है, संभव नहीं। इतना ऊंचा खानदान का जो लड़का है आदमी है ओजामिल जैसा ऊंचा खानदान कन्नगुप जो वंश, सुबह में चर्चा किया था हमारा एथिकल कैरेक्टर, हमारा नैतिक चरित्र, हमारा जो नैतिक चरित्र, हम बहुत अच्छा आदमी है ऊंचे खानदान का है हमारा, ये सब कोई काम नहीं, ये सब सुने सुन के हम क्या करें, ऐसा सुन के तो कुछ नहीं होगा। कर्णकुब जो गुका तो है ही है, लेकिन वो जो इसका जो इस विषय में प्रभुपाद जी क्या बोला है देखो कितना सुंदर सुंदर विचार, लेकिन आजकल ये सब ग्रहण करने वाला एक भी नहीं मिलता नहीं, ग्रहण करके तुरंत ब्रह्मचर्य नहीं है, उतना ब्रह्मचर्य नहीं जो सुनने के बाद झट से उसको पकड़ ले, मैग्नेट जैसे पकड़ता है ना, वास्तव जो शिष्य है गुरु वैष्णव का सेवक वो ऐसा होता है एक बार सुनने के साथ एकदम चिपक लेता मैग्नेट का मावी इसका, जिसका ब्रह्मचर्य 100% परफेक्ट है गुरु वैष्णव में 100% विश्वास है उसका ऐसा सिद्ध होता है। बाकी समाज का किसी भी पूछो क्या बोला, हाँ बोला तो था ऐसा बस, वो बोल नहीं सकेगा क्या बोला था बोलो तो पूरा बोल नहीं सके क्योंकि उसका माइंड का स्टेबिलिटी नहीं है ना पूरा एक चीज में वन पॉइंटेड। जब हमारा वृत्ति हृदय का वृत्ति एक चीज में जाए तभी दिस काइंड ऑफ कंसेंट्रेशन इज देन पॉसिबल, उसी समय इसी किस्म का जो कंसेंट्रेशन चित्त वृत्ति तब होना संभव है, बाकी संभव नहीं असंभव है। कानुकुब जो वंश में जाविर बाबा ठीक है, बात विचार ये बनता है कि इधर जो इसका जो मोरल कैरेक्टर तो खराब नहीं है, मोरल कैरेक्टर खराब है लेकिन मोरल कैरेक्टर जो बोलते हो नैतिक चरित्र इसका भी एक लिमिट होता है, हैज सम लिमिटेशन, मोरल कैरेक्टर का भी एक लिमिटेशन होता है क्योंकि तुम्हारा पूर्व संस्कार के मुताबिक तुम्हारा जो है ये बनेगा। अगर तुम्हारा पूर्व संस्कार दुबला है, पूर्व संस्कार बोलने से हो सके कि पूर्व बहुत गुरु वैष्णव का संग किया होगा तो उसका मोरल जो नैतिक चरित्र तो बहुत दूर तक जाएगा, फिर भी अगर वास्तव गुरुचरण आश्रय नहीं किया है तो ताकत नहीं आएगा। ताकत कौन देता है? गुरु। ताकत हमारा लिखने का बोलने का हमारा जो कुछ भी है हमारा कुछ नहीं सब गुरु जी का, गुरु जो है वो सबसे बड़ा चीज है। गुरु तत्व को हृदय में धारण करो, अखंड तत्व गुरु तत्व हमने बहुत बार बोला, समाज समाज में लड़ाई चल रहा है, मठो एक मठ दूसरे मठ के साथ लड़ाई कर रहा है आपस में भक्त, खामा खा कोई कारण नहीं, मेरा गुरुजी तुम्हारा गुरुजी, ये जो लड़ाई हो रहा है इसका पीछे अज्ञान मायावाद, ये लोग मायावादी है, मोरलेस दे आर ऑल मायावादी क्योंकि गुरु तत्व जानता ही नहीं। अखंड गुरु तत्व को जब तक समझे ना आए तब तक मायावाद रहेगा, बोले हमारा गुरुजी। सदगुरु तत्व जो है ऐसा गंभीर तत्व है, एक अखंड तत्व वहां से आया है, लेकिन आदमी का अंदर ये सब जो हृदय में सो अलग अलग जो डिविसिव एटीट्यूड है ये अज्ञान की कारण है, कोई कारण नहीं। अखंड गुरु तत्व, व्यष्टि गुरु तत्व और समष्टि गुरु तत्व, व्यष्टि गुरु तत्व और समष्टि गुरु तत्व का बारे में कोई ज्ञान नहीं है। समष्टि गुरु तत्व का हिसाब ये है कि तमाम गुरु तत्व का मूल आकर उसका समष्टि गुरु तत्व, जो सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि जो मनाया जाता है
मुरी पूर्ण गुरु पूर्णिमा सनातन गोसाई का तिरुभाव तिथि। हमको प्रश्न करते महाराज वो गुरु पूर्णिमा क्यों, हमारा गुरु जी का तो आविर्भाव ही है, तो ये वो भी क्या, ये भी क्या है, हमारा गुरु ये तो आविर्भाव पालन किया, गुरु तो आविर्भाव तिथि, तो ये गुरु पूर्णिमा में क्या करे। हम बोले ये गुरु पूर्णिमा तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या विचार है, वो जानता ही नहीं, सिखाए कौन, को तो है नहीं, लड़ाई प्लीज मारो मुक्का मारो, इसको हटाओ इसको हटाओ, यही हो रहा है नहीं, तो शांति नहीं, बेचैनी नहीं, कौन किसको सिखाए। आधारण करने वाला भी कोई ऐसा सीख जाए, सीख के बाजार में जाएगा कमाने जाएगा पैसा, यही तो होगा और क्या होगा, कुछ नहीं हो। समष्टि गुरु तत्व का मतलब तमाम गुरु तत्व का आकर तत्व वही गुरु पूर्णिमा में, कोई भी सदगुरु टोटल सदगुरु तत्व का आगर तत्व आकर तत्व का आराधन पूजन हो। साथ साथ सनातन गोसाई तो संबंध ज्ञानदाता गुरु तत्व का एक खास विषय है। और वैष्टि गुरु मतलब हमारा हमारा हृदय, हमारा जिंदगी में जिन्होंने ठाकुर जी जिस रूप पकड़ कर आए हैं, इनके पूजन है जिस तिथि पे, वो हमारा गुरु जी का आविर्भाव तिथि, तुम्हारा गुरु जो, ये अलग अलग विचार जो है ये हृदय में करता है भक्त, भक्त क्या करे, मतलब हमारा गुरु जी का ये आविर्भाव थे, ठीक है, ये वैष्टि गुरु तत्व और समष्टि गुरु तत्व का तत्व होना चाहिए, होनी चाहिए। सुबह में बताया था जे जमदूत और विष्णुदूत का अंदर में आपस में चर्चा हो रहा था, ये कहें कि इसको पकड़ के ले जाए, इनको बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा आप लोग कौन होते हो, इसको रोकने वाले आप कौन हो, हम लोग जमदूत जमराज जी महाराज भेजे हैं, साक्षात उसका उधर से आए हैं, आप लोगों को देखने से चतुर्भुज लगता है, बहुत सुंदर देखने में, इतना सुंदर आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, इतना सुंदर देखने में, चारों हाथ अस्त्रभुज ऐसे एकदम, वाह का परिचय क्या है, और रोक रहे हैं क्यों, हम लोगों को रोकने का कारण क्या है, ये तो बताओ, देखने में तो बहुत सुंदर है। विष्णु दूता ऊँचू, विष्णु दूता भी उत्तर दे रहे हैं जो आप लोग जमराज जी का धर्मराज का आदेश पालन करने के लिए आए हो ना, बोला हाँ, बोले आप लोग धर्मों और अधर्मों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, क्या कह रहे हो, बोला हाँ धर्मराज का उदार से आप आए हो, लेकिन धर्मराज का उदार से आए हो बोल रहे हो, लेकिन कोई विचार आपका हृदय में नहीं है, बोलो क्यों महाराज क्या बात है, बोले जुयम भई धर्म राजस्व यदि निर्देश कारिण, आप लोग अगर जमराज जी का आदेश पालन करने के लिए आए हो तो कम से कम धर्मों के बारे में बोलो, ब्रुतो धर्मस्व नस्तत्वम जच्च धर्मस्व लक्षणम, धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है बताओ, और अधर्म क्या है सब बताओ, जानते नहीं हो बताओ, किसको दंड दिया जाए, किसको रेहा दिया जाए अर्थात तो किसको फ्री कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, कैसे किस अवस्था में दंडो धारण करना उचित है, पनिशमेंट देना, कथम सिद्ध्रियते दंड किंग वास्व स्थानम इप्सितम, किस अवस्था में किस स्थिति में दंडो धारण करना उचित है, दंड्यहा किंग कारिणहा सर्वे अहोसित कतिचित निर्णाम, अब ये सब बताओ किस प्रकार से दंडो धारण किया जाए, शास्ती दंडो का विषय क्या है, कौन धर्मों कौन कर्म करने से दंडो होना होनी चाहिए, मानव पशु या तो सबको ही सभी दंडार हो अर्थात दंडन देना, सबको ही दंड देना चाहिए, अथवा मानवगण के मध्य मानव जब मानव समाज है उसमें थोड़े बहुत आदमी को दंड दिया जाए, क्या विचार है आपका अंदर में बोलो, क्या समझा जमराज जी धर्मराज है, क्या समझे आप लोग। तो जमदूत सब कह रहे कि देखो हम तो ये सुने हैं
जमदूत कह रहे हैं कि इतना तक हमारा बुद्धि है, देखो वेद प्रणीत धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्जय, वेदों में जो आदेश है उसका पालन कर धर्म है और उसका विपरीत जो अधर्म है। और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुम, हम लोग ये सुने हैं कि वेद स्वयं स्वयंभू स्वयं उत्पत्ति हुए, वेदों को कोई ये जो वेद को कोई निर्माण नहीं किया, वेदो नारायण साक्षात साक्षात भगवान है वेद, ईश्वर भगवान का साथ वेद का कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए वेद को अपौरुषीय बोला गया, शास्त्रों में बोला ये अपौरुषीय वेद और ईश्वर नारायण जो है वह अलग नहीं है। तो जमदूता जितना हो सके उतना व्याख्या किया, देखो ये तो हम जानते हैं कि वेद वेद प्रणीतो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्जय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रम, इतना तक सुने हैं और ज्यादा हम लोग जानते नहीं, क्या करे बोलो। जोमदूत का साथ ऐसा चर्चा हो रहा है, विष्णुदूत ने कहे विचार किए, देखो आप लोग को ये पता नहीं कि जिन जिनका जवान पे साक्षात भगवान का नाम आ गया, हरिनाम आ गया, इससे बारकर प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जिंदगी में पाप करे, जैसे करनी ऐसे भरनी, हमारा वृंदावन में है कथा, जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा खाओगे वैसा मन होगा, शुद्ध अन्न खाओ शुद्ध मन होगा, जैसे करनी ऐसे भरनी। तो तमाम दुनिया इसी विचार से चल रहा है, जो भी कोई क्रियाकर्म करे उसका जो क्रियाकर्म का जो फल है उसको स्वयं भोगना पड़ेगा, यही विचार है शास्त्रों का, और कोई विचार नहीं है। और सुबह में गीता का श्लोक उठाया था, अर्जुन 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 जो पार्थ सखा है, पार्थ अर्जुन जो है पार्थ सखा मतलब पार्थ तो अर्जुन ही है, और उसका जो सखा कृष्ण को ये प्रश्न रखे, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है, समाज में ये इसका प्रचार होना चाहिए। अथक केन प्रयुक्त एयम पापं चरति पुरुषः, कैसे कैसे आदमी पाप कर देते हैं, कैसे कैसे आदमी पाप में लग जाते हैं, अथक केन प्रयुक्त एयम, कौन ऐसा है जो जीवों को धक्का लगा के पाप में नियोजित करता है, एंगेज करता है पाप कर, कौन है ऐसा, ऐसा प्रश्न उठा था। भगवान एकदम इसका क्लियर उत्तर दिया, जिंदगी में याद रखना किसी को दोष नहीं देना, काम एशो क्रोध एशो रजोगुण समुद्भव महासन महापत्ना विद्धि न मेनम बैरिन, इसी को ही बोइरी अर्थात शत्रु मानो, किसको, तुम्हारा अंदर में जो काम है, तुम्हारा अंदर जो क्रोध है, ये सब ये काम क्रोध जो है महाराज हमारा जिंदगी में आया कैसे, ये भी आया आपका पूर्व संस्कार के अनुसार, या हमको करने का कोई हमारा कुछ करने का नहीं है, आप पूर्व जन्म में जो क्रियाक्रम किए हो उसी के मुताबिक आपका जो वर्तमान जो अवस्था अंतकरण का गठन हुआ। अंतकरण का गठन का बारे में हम पहले ही बताया था, क्या अंतकरण का गठन, मौन बुद्धि चित्तो अहंकार ये, और इसका जो शुद्धि है, अगर सोचो कि महाराज हम जल्दी काम क्रोध से हमारा रिहा हो जाए मुक्ति हो जाए, तो ये संभव है एकमात्र परमहंस गुरु वैष्णव का चरण रज अपना मस्तक पे लगा, बस यही मेडिसिन है। इसे बोला जितना भी तुम्हारा प्रायश्चित का विधान बताया गया है, जितना भी प्रायश्चित्व का जितना सारे विधान बताया गया है, लेकिन इतना सुंदर प्रायश्चित्व नहीं है। नौ तथा ही अगवान राजन पुयेत तप आदि भी है, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, तपस्या आदि के द्वारा तुम्हारा हृदय का मांजन थोड़ा बहुत होएगा,
ये होना संभव है कि तपस्या के द्वारा बहु ऋषि बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है। जब तक शुद्ध नाम हृदय में उदित हो जाए, जब तक ना उदित हो जाए तब तक कोई शांति नहीं, मुश्किल है। एक उदाहरण हम दे दे, उदाहरण दे दे, क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत का विचार सुन रहे हो, विचार करके देखना। वैशिष्ट मुनि से लेकर विश्वामित्र मुनि आदि सब सब अपना जो जिंदगी है, जो 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 दिखाया, उसमें बहुत सारे गड़बड़ी हो गया, लेकिन फिर भी हम दोष दर्शन नहीं करने, हम दोष दर्शन करते हुए ये बात को नहीं उठाया। हम इस बात को इसलिए उठाया कि जिन्होंने हरिनाम को 100% आश्रय नहीं किया, कभी भी इसका मुसीबत आए आ सकता। जैसे वशिष्ठ मुनि का मुसीबत आया, उसका संग हो गया, मेनका का ये का वो का। लेकिन एक बात बोलो, इतना सारे ऋषि है, एक एक करके उदाहरण दो, एक एक कुछ ना कुछ, लेकिन कभी आप आपका हिम्मत है तो दिखा हो कि चैतन्य महाप्रभु का किसी पार्षद है हरिदास ठाकुर का दिखाओ पतन। ये लोगों का तो ये जो मुनि ऋषि है इसका पतन नहीं है, ये तो आग जैसा है, तपस्या करते रहते, कुछ नहीं होता। ये हम इसलिए उठाया कि दिखाने के लिए प्रमाण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये ऋषि मुनियों का जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ, वो भी उसका दोष नहीं। आग आग जलते हुए आग, उसमें कुछ भी दोष पड़ सकते, जल के राग हो जाए, वो तुम्हारा मापी नहीं है, दुबला जीव दुर्बल, कुछ नहीं होता। वो बात को हम नहीं उठाया, वो तो उन लोगों का चरण में मेरा दंडवत है ही है। ले मैं ये बात को इसलिए उठाया, कहीं आप दिखाओ मेरे को हरिदास ठाकुर का जिंदगी में जितना परीक्षा हुआ, तुम्हारा जिंदगी में हुआ? हरिदास ठाकुर का जिंदगी में जितना परीक्षा हुआ, पहले तो लक्ष्य ही आप परीक्षा लिया, वो तो छोड़ो, उसका बात छोड़ दे। साक्षात माया देवी जन माया, जिसका माया के द्वारा सारा जगत एकदम पागल हो गया, वो माया देवी स्वयं आई थी। जब फुलिया में हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे गुफा पे, साक्षात माया देवी दुर्गा आई थी, आके बहुत कुछ किया, अंतिम में कुछ कर नहीं सका। बाद में दंडवत होके बोला, हमको हरिनाम दे दो आप कृपा करके, नमाचार्य। हमारा कहने का मतलब है, जिनके जिंदगी में हरिनाम सिद्ध हो गया, मतलब वास्तव शुद्ध हरिनाम उदय हुआ, नाम के द्वारा, नाम का अंदर, नामेर नाम, नाम जो है, नाम होचे, नाम जो है वो सबसे ऊंचा भजन है, क्योंकि नाम भजन का अंदर में सारे भजन छुपा हुआ है। भगवान का नाम जो है, इसका अंदर में रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सारे, प्रथमम नाम नो सवनो शुद्ध अंतकरण अपेक्षा है, शुद्धे चौंतकरणे रूप सवनेनो तदुदय योग्यता भवती इत्यादि रूप योग्य संपात का विचार है। सम्यक उदिते च रूपे गुणानं स्फुरणं संपद्यते इत्यादि श्लोक है, सुंदर। ग्रेजुअली होगा, पहले नाम को लाओ, नाम ही आ रहा नहीं। जब शुद्ध नाम उदय हो जाए, जिस महात्मा का जिंदगी में नाम नाम परिपूर्ण कृपा कर दिया, जिसके जिंदगी में हरिनाम जिस संत महात्मा को पूरा कृपा कर दिया, किसी का हिम्मत नहीं है उसका जिंदगी को नुकसान करे, उसका जिंदगी का अंदर कुछ हो जाए, संभव नहीं। यद ब्रह्म साक्षात कितने निष्ठयापी बिना समयाति बिना न भोगई अपैत नाम स्पुरणे न त्वत्वे परब्ध कर्मे तिविरोति वेदः। ये सब श्लोक है, सुंदर विचार करोगे।
यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना न भोगोई अपैति नाम स्पूर्ण न तत्व प्रारब्ध कर्मेत विरोध वेद। कल सुबह में चर्चा करेंगे इस विषय में, जल्दी आने जाना पड़े, हमारा सामने तो घड़ी चल रहा है घोड़ा का मापी, क्या करे। और देखो इधर विचार बताया कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जम सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी उठाया था बात को, उसका बात सुखदेव गोस्वामी बोले ओ जमराज का जो पार्षद है, ये पार्षदों को हमारा ये विष्णु पार्षद क्वेश्चन किए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर आए, जियम वही धर्म राजस्व यदि यदि निर्देश कारिण इत्यादि हो गया विचार। अभी जमदूत जमदूता ये जमदूत सब कहते हुए इधर आया, विचार करते करते जमदूत कह रहे थे दुनिया में तो ऐसा कोई बात बाकी आदमी नहीं है जो न ही कश्चित खनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यति ही अवसहा कर्म गुणैर गुणै सभा बिकैर बलात्। ये कर्म जो जो क्रियाक्रम में लगे हुए वो कौन आपको एंगेज किया, जिस सारे आदमी जो धागा दोरी कर रहे हैं कौन इसको एक काम में एंगेज किया, उसका तो अभिमान है डुअरशिप, हम करता है करता हम इति मन्यते, ये तो बंधन का कारण क्या है, यही तो कारण है करता अहम इति मन्यते, और क्या कारण है बोलो, करता अहम इति मन्यते यही तो कारण है। लेकिन गीता में बोला प्रकृति क्रियामानानि गुणो कर्मैर अवसह, तुम्हारा जो संस्कार का अनुसार वर्तमान अवस्था जो है इसका ऊपर सतुरा जो तीन का प्रभाव चल रहा है, ये प्रभाव तुम्हारा ऊपर इतना असर फेंक रहा है कि उसके मुताबिक तुम्हारा चलन बलन चलना बोलना सब कुछ इसी का मुताबिक प्रकृति क्रिया माननी, प्रकृति तुमको नचा रही है प्रकृति क्रिया माननी गुण कर्म अवश सब अवश विवश, जैसे लगता है कि इच्छा नहीं कि विवश, इच्छा नहीं लेकिन वो क्रियाक्रम हो जाए इसका मतलब है विवश। तो प्रकृति क्रिया मानानी गुण कौर अवसह, हाँ लेकिन सब आदमी का अंदर सबका अंदर में ये अभिमान है मैं करता हूं, कर्ता कारयिता राम, ठाकुर जी स्वयं का कर्ता कौन है, ठाकुर जी स्वयं है, राम मतलब बलराम भी दो पकड़ो कि या तुलसीदास की बात है ये, इसको राम एक ही बात है कोई बात नहीं, कर्ता कारयिता राम, कराता है राम, कर्ता भी राम ही है। बड़ा बड़ा विचार है सुंदर सुंदर और सबका अंदर में ये अभिमान है ये हम करता है, और साधु बन के भी अभिमान का जो प्रभाव है इससे इसका मुक्ति नहीं है। ऐसा ऐसा साधु है भले महाराज हम किसी से कुछ नहीं मांगते बोलते हैं, अब फिर उल्टा करके क्या करते हैं, उल्टा करके मांगते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हमको दो, ऐसा बोलते नहीं, उसका मांगने का जो तरीका है बहुत बहुत चालू है, वो मांगते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगते नहीं, बोले महाराज हम तो कुछ मांगते नहीं, हम मांगते नहीं है तो ये तो मांगना ही हुआ। अयोध्या के रास्ते में एक साधु बैठा हुआ है बड़ा निष्किंचन मन के बैठा हुआ है, और एक डब्बा रखा भिक्खा का सुंदर पात्र रखा ये रखा वो रखा बखे, और ऐसा बोल रहा है जिस चीज का जरूरी है वो चीज को चिल्ला चिल्ला के राम जी का नाम लेके बोल रहा है, ये मायावादी का लक्षण है, ये भक्त नहीं है, और बोल रहे हैं कि हम किसी से कुछ मांगता नहीं, और कैसे मांगने का कैसा तरीका है, हे राम जी हैं केजी भर आटा दिलाए दे, हे राम जी पुआ भर घी दिलाए दे किसी से, राम जी किसी के द्वारा हमको एक केजी आटा दिला दे, किसी के द्वारा मेरे को पुआ भर घी दिला दे,
बोला हम कुछ मांगता नहीं, हे राम जी थोड़ा किसी से केजीवर आटा दिला दे, किसी से पुआब और घी दिला दे, ऐसा करके मांगता है। अब बोला हम कुछ मांगता नहीं, सब तो राम जी से मांगता है। राम जी कर्ता कारयिता राम, सबकी दाता राम है, अजगर न करे चो नौकरी, पंछी ना करे काम, सबकी दाता राम, सबके दाता तो राम ही है। छोटा सा एक पंछी है, इतना चिड़िया, इतना छोटा, वो नक्षत्र के ऊपर से पानी जब तक ना गिरे वो पिएगा नहीं। वो ठाकुर जी का कितना करुणा है, उतना छोटा सा पंछी है, उसका मुंह पे वो थोड़ा सा बूंद पानी दे दे के उसको रक्षा करता है, कितना करुणामय है ठाकुर जी का करुणा, कितना है। किसी ने अगर चिंता करने बैठे तो पागल बन जाएगा। हर हालत में भजन करना ही है, अगर आदमी है तो छूटेगा कैसे, ठाकुर जी का कितना करुणा है देखो। तो कर्ता कारयिता राम, साक्षात ठाकुर जी है, कराने वाला राम है, करने वाला भी राम है, लेकिन हमारा अंदर में वृथा अभिमान जो है, हम कर्ता डुअरशिप, कर्ता अहम इति मन्नते, यही बंधन का फांसी का फंदा बन गया, क्या करे। और इधर विचार करते करते विष्णु दूतों ने बताया कि देखो, हम तो संक्षेप में कह रहे हैं कि उपाय भी नहीं है, समय नहीं है, जिसका जवान पे साक्षात भगवान का पवित्र नाम उदित उदय हुआ, तो वो नाम उदय होने से साथ साथ क्या है, उसका कोई पाप रहता है क्या। अभी श्लोक बताया था ना रूप गोस्वामी बात का, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगई अपैति नाम स्पुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। एक हरिनाम का आभास हो जाए, नाम तो होना संभव नहीं, गुरु चरण आश्रय करो, सदगुरु सदगुरु चरण आश्रय करो, बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। गुरु मिला, गुरु अगर जिंदगी में मिले वो भी ठाकुर जी का कृपा है, साधु संग मिले जिसके द्वारा हमारा जिंदगी में गुरुचरण आश्रय करने का अनुभव हो जाए कि हमको गुरुचरण आश्रय करनी चाहिए, ये भी अनुभव दिला, ये जो अनुभव दिलाने वाला जो साधु संत है इसका भी संग, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग तरई न कोई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगों के बिना कोई पार हो गया, कोई शास्त्र में कोई प्रमाण है ही नहीं। और तमाम विचार करके देखना, इसमें ठाकुर जी का ही कृपा है, ठाकुर जी कृपा करके सत्संग दिलाते हैं, ठाकुर जी कृपा करके गुरु रूप पकड़ करके सामने आते हैं, ठाकुर जी दीक्षा देते हैं, ठाकुर जी तो गुरु, गुरु और साक्षात गुरु और हरि तो अलग नहीं एक ही है। और ठाकुर जी ये सब गारंटी देके बताए ना पूरा, आचार्य माम भी जानिया, क्या सोच रहे हो, आचार्य माम भी जानिया, हम ही आचार्य है, क्या क्या उल्टा सोच रहे हो, मायावादी का माफिक, मायावादी लोग है ऐसा सुंदर, गुरु 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 बोलते हैं, गुरु तो गुरु कुछ जानते ही नहीं, दिन भर खाली गुरु गुरु की, गुरु क्या है बोलो कुछ जाने, गुरु जी का चप्पल है दरवाजा का संदेह पड़ा हुआ, किसी वो पंजाब का किसी मैया ने उसको पहन के बाथरूम में चला गया, बोले गुरु जी का चप्पल है, वो आके बोला तो क्या हुआ, गुरु जी का चप्पल दे देंगे, ये तो गुरु भक्ति है, गुरु जी का क्या हुआ हम तो दे देंगे, क्या है? कुछ समाज में अव्यवस्था फैले कि आइडिया नहीं, एक बात बोलने वाले गुरु तत्व तो क्या पता, ये हमारा गुरु, ये तुम्हारा गुरु, तुम ये बोल रहे हम ये लड़ाई में लगे हुए, अंधतम प्रविशंति, ते लोग जो है अंधतमों में प्रविष्ट हो, एक ऐसे तो अंधतमों में है ही है, और ज्यादा करके नीचे जा रहा है, हर लड़ाई
गुरु तत्व वैष्णव तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई लड़ाई करो, इस महाराज को हटाओ, इस महाराज, ये विचार जो भी है हम दुखी हैं इस बात को। और जमदू जी जो है बताया कि देखो जिसका जवान पे हरिनाम उदित हुआ तो निष्कृत उसका जो प्रायश्चित तो है, प्रायश्चित का कुछ कुछ शेष रह गया क्या, कुछ बाकी रह गया? बोले नौ निष्कृतोर रुदितोर ब्रह्म बादिभिर तथा विशुद्धति अगवान व्रतादि यथा हरेर नाम पदैर रुदा हृतय तदुत्तम श्लोक गुणोपो लम गुणोपो लंबकम। बोले देखो जमदूत, हे जमदूत, मनु आदि ब्रह्मवादी भी मुनिगण ये निर्णय किया, हम तो जब भागवत कथा शुरू किया था इसके चार पांच दिन बाद हमने ये तत्व को उठाया था, याद है आपको? सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज का क्वेश्चन जो है, याद है आपका? दो कई बार हम कह चुके, दो दो बार या तीन बार हो सके, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुष से कार्यमान सर्वथा। मरणशील आदमियों के लिए क्या करनी चाहिए, जब हमारा मौत का कोई गारंटी है ही नहीं, हमारा जिंदगी में हमारा आयु कितना शेष है, ड्यू कितना है ये हम नहीं जानते, तो काहे को रिक्स ले रहे हो? तुम जो रिक्स ले रहे हो तो तुम्हारा जिंदगी कोई ठिकाना है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, है ना? जब जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं तो तुम क्यों खमा का टाइम खराब करो, टाइम खराब कर रहे हो? टाइम इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग, समय जा रहा है और खेल रहे हो, जानकारी नहीं है कि पीछे मौत खड़ा है, पीछे मौत खड़ा है। ये जो परीक्षित महाराज ने इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये साधारण क्वेश्चन नहीं है। अब एक क्वेश्चन के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, यही तो उत्तर दिया जो जमराज जी, जमराज जी का जो पार्षद है, इन लोगों के सामने जो युक्ति है यही तो आया परीक्षित महाराज के सामने। सुखदेव जी तो यही बोला था, जितना सारे मुनि ऋषि है, संत समाज है, सबका निर्णय है हरे नाम हो, हरे नाम, हरे नामानि कीर्तनम, हरे नामानि कीर्तनम, भगवान का नाम का कीर्तन करो, ये निर्णय करके बताया, यही तो निर्णय करके बताया था। और यहां भी ये कह रहे हैं कि देखो जितना सारे मनु आदि ब्रह्मवादी मुनिगण जो है व्रत व्रतादि रूप प्रायश्चित सकल अनुष्ठान जो अगर करे तो इसके द्वारा चरम प्रवृत्त परम प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, होना संभव नहीं, इतना विशुद्ध हो नहीं पाएगा। विशुद्ध मतलब विशेष रूपेण शुद्ध, विशुद्ध शुद्ध हो सके, शुद्ध हो सके, मन प्रायश्चित किया, तप किया, व्रत किया, सीख है इसमें शुद्ध हो जाए, लेकिन विशुद्ध होना संभव नहीं। जोगी नाम निपुणनितम हरे नामानुकीर्तनम, जोगी के द्वारा हे राजन ये सब मिलके निर्णय करके यही सिद्धांत तो दिखाया कि तमाम दुनिया का शास्त्रों को विचार करो, यही सिद्धांत तो आएगा, अल्टीमेट यही तो डिसीशन आएगा ना, सिद्धांत तो आएगा। और नाम उच्चारण के द्वारा, हरिनाम के द्वारा जितना विशुद्धि हो सकता है, चांद्रायन आदि व्रतों जो है इत्यादि कृच्छ ये सब के द्वारा उतना विशुद्ध हो नहीं पाओगे, क्योंकि पाप का जो मूल का विनाश उत्पाटन संभव नहीं है। पाप का ठीक है, पाप चले जाए कौन सी बड़ा बात है, लेकिन पाप का मूल का उत्पाटन, पाप का जो वृत्ति है उसके उसको उखाड़ के फेंक दो बाहर,
ये संभव होगा? कभी संभव है? होगा नहीं। इसलिए तो बोला प्रायश्चित्त कैसे हो सके, प्रायश्चित्त कैसे हो सके, प्रायश्चित्त अथो कथम, प्रायश्चित्त कैसे हो सके, ये तो हमको दिखता ही नहीं कोई रास्ता। ये सब युक्ति दिखाए। इसके बाद जो है हरि नाम का जो महिमा है, विष्णुदूत कह रहे हैं इस विषय पर चर्चा होगा, समय जा रहा है। बोले सांकेतम परिहासम वास्तोवम हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। संकेत के द्वारा, परिहास के द्वारा, किसी भी हालत किसी ने अगर ठाकुर जी को गाली दे दिया, गाली देने का टाइम में कृष्ण का नाम लिया तो भी मंगल हो जाएगा, ऐसा ठाकुर जी। अभी वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु, और जितना भी पाप है तमाम पाप का यही सबसे बड़ा प्रायश्चित तो हरिनाम लेना। लेकिन इसमें एक बात है, शुद्ध हरिनाम, नामाभास, अनाम अपराध, तीनों के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर दे। चैतन्य चरितामृत में एक विचार है, उसको ऊपर बहुत तर्क होता है, मतलब भले चैतन्य चरितामृत में ये विषय है, दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा ना करे। दीक्षा पुरस्चरण भी कोई दरकार नहीं है, हरिनाम के तरह सब बस इसी को बल लड़ाई हो जाए, महाराज आप क्यों बोल रहे हो, पानी नहीं दे सके उसका तो हरिनाम हो गया, हम किसका साथ पागल का साथ बात करें, किसका साथ बात करें बोलो। ये जो ध्यान से सुनो, ये सब सिद्धांत तो चर्चा नहीं होगा। हाँ, ये दो एक श्लोक हम दो तीन बार बताया शायद, जो नीचा खानदान का जो है, एकदम नीचा कुल का, सौ दो ओपी सवनाय कल्पते है ना, जिसका जवान पे हरिनाम आया वो जो को करने का लायक हो जाए, तब इसका ऊपर तो लड़ाई हो जाएगा, बोला वो तो हरिनाम ले रहा है, वो तो क्या विचार करोगे, फिर कोई तो सुनेगा नहीं, समय ही नहीं है, नो टाइम, कुछ बोलो हरिकथा का, वहां समय कहा है, तो हरिकथा का यही माया है, प्रभुपाद जी ने बोला इसी को बोलता है माया, माया किसी को बोलता है बोला सकल काजेर पाई है समय तुम्हारे भोजिते पाई ना। एक देवी मैया का भजन करने वाले वो लिखा था, हम एक इस ये लाइन को हम इज्जत देते, बाकी जो दूसरा लाइन वो पूरा सिद्धांत विरोध, हमी सकल काजेर पाई है समय तुम्हारे भोजिते पाई ना, वैसे ये लाइन ठीक है, बाकी दूसरा लाइन जो है पूरा बेकार, कोई काम का नहीं है, सिद्धांत विरोध है। ये लाइन तो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें जो बात है सौ दो उपी सबनाय कल्पते, इसमें विचार दिखाया उस स्वामी लोगों ने, जो ये जो है हरिनाम लेने का साथ साथ इसका जो है अवस्था जो है बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है। अभी दुर्जाति, अभी ध्यान से सुनना, नीचा खानदान का है चांडा, फिर भी वो हरिनाम अगर ले तो उसका शुद्धि हो जाए, ठीक है पवित्र हो, हरिनाम लेने के साथ पवित्र। लेकिन हरिनाम लेने का साथ साथ जो पवित्र हो गया उसको जोगों में बैठा दोगे क्या है? गोस्वामी लोगों ने विचार दिया, आप क्या समझते हो? गोस्वामी लोगों ने विचार दिखाया कि देखो, जैसे आप सोचते हो कि ब्राह्मण कुल का है, आप जोर जबरदस्ती बोल रहे, ठीक है हम मान लिया ब्राह्मण कुल का, तो ब्राह्मण कुल का अगर है, अगर हम मान लिया हाँ ब्राह्मण कुल का है, ब्राह्मण कुल का कोई लड़का अगर है, वो ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है, ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है, ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है, तो उसको भी जब तक सावित्री ये जो है आपका जनुई जब तक ना दिया जाए, तब तक
वो शालिग्राम शिला पूजन का अधिकारी नहीं बनता। ध्यान दिया किस बात, कितना सुंदर सिद्धांत है। जैसे ब्राह्मण का खानदान में पैदा होने वाला आदमी को भी ब्राह्मण नहीं माना जाता है, जन्मनात जायते शुद्धो संस्कारा दिजो भवेत, यही तो बात है। जन्म जो होता है शूद्रों की होता है, बल्कि कोई भी हो, संस्कारा दिजो भवेत, ये बात का ऊपर पूरा सिद्धांत तो है। जब तक उसका 8 साल का उम्र में या 12 साल का, 12 साल तक उसको जब तक ये सावित्री नहीं मिला, जब तक नहीं मिला तो वो पूजन करने का अधिकारी नहीं है। है अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण का लड़का आप बोलते हो फिर भी वो अधिकार नहीं है ठाकुर जी का मंदिर का अंदर जाना कुछ कर, क्योंकि उसका सावित्री संस्कार हुआ नहीं। तो सौदोपी सवनाय कल्पते, इसमें भी ये विचार रखना, वो तो पवित्र हो गया। अब नीचा कुल में खानदान होने का जो दोष है, नीचा कुल में खानदान होने का बाद जो दोष है, नीचा कुल में आदमी क्यों आविर्भाव होता है, ये जो नीचा खानदान में आविर्भाव होना ये भी पूर्व जन्म का पाप है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो जन्म हुआ, जन्म का बाद वो जो उसका जो जवान पे हरिनाम आया वो पवित्र हो गया, ओके। लेकिन फिर भी वो अभी जब तक उसका संस्कार ना हो जाए तब तक वो सौदोपी सवनाय कल्पते होगा नहीं, यज्ञ करने के लिए बैठाया नहीं जाएगा। समझा बेना बात, बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत तो है, ऐसा विचार है। तो ये जो दीक्षा परस पुरस्चरण विधि अपेक्षा ना करे, जीवा स्पर्शे आचंडले उद्धारे, जीवा स्पर्श किया, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरिनाम तुम्हारा जवान को स्पर्श किया कि नहीं, बोलो सालगम पकड़ के बोलो, उदय हुआ वास्तव हरिनाम उदय हुआ का? चैतन्य महाप्रभु ऐसे विचार बताए, कोई चर्चा करता नहीं, क्योंकि सब चर्चा करने जाए तो अपना पोल पोट्टी खुल जाए, हमारा नेकेट रूप आ जाएगा सामने, बोलेगा नहीं ये सब, या खामा का दरकार जो चल रहा है चलने दे ये सब चर्चा नहीं करे। पहले होता था केशव गोस्वामी महाराज के टाइम पे, बामन गोस्वामी महाराज भी किए, हैरान का ये सब वैष्णव, आजकल कुछ नहीं चर्चा। तो हरिनाम जो है, हरिनाम हृदय, हरिनाम अगर जवान पे आया, क्योंकि महाप्रभु बोले वैष्णव कौन है, पूछा था ना कौन, हां बोल रहे कौन पूछा, सत्यराज खान आदि जो है कुलिनगामवासी बोलता ही नहीं, हां ना बोलना चाहिए ना। महाप्रभु का साथ 3 बार 3 साल 3 क्वेश्चन किया, प्रभु वैष्णव कैसे समझे, 1 साल 1 उत्तर दिया, दूसरे साल दूसरे उत्तर दिया, तीसरा साल 30 किस्म का उत्तर दिया, 3 साल अलग अलग करके। एक कृष्ण नाम जार जिह्वा देखोगे वो वैष्णव है जरूर, उसको एक कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम। और हरिदास ठाकुर कितना सुंदर युक्ति दिया, गौड़ीय सिद्धांत तो सुनो, हरिदास ठाकुर का साथ महाप्रभु मजा कर रहा है इष्ट गोष्ठी, हरिदास ये कलिकाल बड़ा भयंकर है, ऐसे कैसे जीवों का उद्धार होगा, प्रभु आप चिंता मत करो, आपका नाम है ना, नाम से हो जाएगा, नाम से हो जाएगा, और जो मुस्लिम लोग है उसका कैसे होगा, वो तो नाम नहीं लेगा, प्रभु वो भी नाम लेगा, हाराम बोल के नाम लेगा, हाराम हाराम बोलता है ना वो, तो कम से कम हराम बोलता है, वो बोल दे वो जो हराम बोले वो हा आ उसका बाद राम, ये दोनों है अनजाने में बोल रहा है, फिर भी वो नामाबास हो जाए, वो भी मुक्ति होगा, हाराम हराम खोर बोल रहा है ना हरिदास को बोल रहा है, हरिदास ये नाम के द्वारा पाप ताप जो चलाए था कैसे है नामाभास में। हरिदास बोले ठाकुर जी सुनो, बात ये है कि जब जंगली जानवर इधर उधर घूमते हैं, जंगली घूमते हैं ना, अब जब शाम ढल जाए, जब रात हो जाए, सूरज अस्त जाए, उसके बाद जंतु जानवर जो है थोड़ा उसको, तुम्हारा पास घड़ी है ना ऐसा देखते हो, वो लोगों का घड़ी इधर है, इतना परफेक्ट विचार है,
हमने ब्रजधाम में, ब्रजधाम में जा भजन तो नहीं किए, ब्रजधाम में था बहुत दिन, बहुत दिन। ये जो आपका जो मयूर है ये हमको जगा, कोई अलार्म का जरूरी है नहीं, ठीक 3 बजे छा करके चिल्लाएगा, कैसा अलार्म है भाई, वो समझ जाता है अभी 3 बज गया, 3:30। ओ बाबा लोगों को सब जगा दे मयूर। और आपका इधर गांव गांव में जो मोरोग है, मोरोग है ना, है मोरोग मुर्गी ये सब है, वो सब भी थोड़ा बहुत कथा है, लेकिन मयूर बहुत, मयूर बहुत तगड़ा, उसका जो चिल्लाना है ना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर एकदम। सुबह में 3 बजने का साथ साथ एकदम अलार्म लगा दिया, हो गया भजन में बैठ जाओ, 3:30 बज गया बैठो, क्या कर रहे हो, ऐसा बैठा दे, इतना सुंदर है। तो हरिदास ठाकुर जी ने बताया, हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी, जब अरुणोदय होने का समय आ रहा है तो सारे जंगली जानवर जो है वो भागता है, सब भागता है, बोले अभी सुबह होने वाला है। हरिदास ठाकुर बताए जैसे सुबह होने का साथ साथ ही पूरा जंगली जानवर सब भाग भागता है, बोले आप भागो सूरज उठेगा, अब हमारा राज नहीं चलेगा इधर, अब चलो भागो जंगल में चला गया। हरिदास ठाकुर बोले ठाकुर जी आपका नाम का तो महिमा कहना ही क्या है, नाम का जो आभास है, नामाभास के साथ साथ जितना सारे पाप है सब चला जाता है, जब हरिनाम नहीं हो रहा है हृदय में पाप आ रहा है, बार बार घूम घूम के चंचल हो रहा है, तो महाप्रभु जी ने सिखाया घर में बैठ के ऐसा कर ताली देके हरिनाम करो, हरे कृष्ण हरे, ताली देने से जैसे पंछी जो है डाल पे ऐह भग जाता है पंछी, महाप्रभु ने सिखाया बैठ के ऐसा करके हरिनाम करो तो चंचल मन बस, और ध्यान करने बैठोगे तो उल्टा फल हो जाएगा, ध्यान कर सकोगे, चंचल मन है, प्राणायाम तो नहीं कर सकोगे, जो भी है हरिनाम आए तो अच्छा है। तो इसके द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा जो सिद्धांत तो विचार है महाप्रभु को बहुत पसंद आया, बोले हाँ यही परफेक्ट विचार है, अब कोई विचार है नहीं, इतना सुंदर विचार। और सांकेत सांकेतम परिहास्यम वास्तवम हरणमेवा, वैकुंठ नाम किसी भी हालत से अब ले लो तो उसका मंगलदायक है। अब महाप्रभु कहिए एक एक कृष्ण नाम का साथ साथ सब हो जाता है, दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, इसका ऊपर नित्यानंद प्रभु का विवाह का ऊपर एक पखंडी ने उल्टा सीधा बोला, उसको जवाब दिया तो 7 प्रतिवाद का किताब ने, बाकी आर्टिकल तो छोड़ दो, सिर्फ 7 प्रतिवाद का किताब के एक का बात, एक का बात उसको एकदम स्तब्ध करने के लिए, चुप कराने के लिए, पूरा नित्यानंद प्रभु का आपका हाथ में आया था मालूम नहीं, देवानंद गुरु मठ के तो बहुत, हाँ उसमें ही विचार दिया था। वास्तविक अगर, वास्तविक अगर शुद्ध हरिनाम अगर आपका जवान पे आए तो इसमें कोई शक नहीं, हरिनाम के द्वारा सब हो जाए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा आचार्य जो है, संबंध ज्ञान का आचार्य जो, इन्होंने बार बार बोला दीक्षा का जरूरी है, गुरु गोष्ठे गोष्ठा लय सुभु गणे भूसुर गणे समंत्रे सी नामनी, है ना, समंत्रे सी नामनी, जो नाम दिया है गुरु जी, नाम जो है सबका ऊपर ध्यान देना, दीक्षा जरूरी है। अब ये दोनों में कैसे लड़ाई हो गया, ये दोनों में लड़ाई लगेगा ना, दो सिद्धांत तो कैसे कैसे आपको, दो सिद्धांतों का विचार कैसे करोगे। रघुनाथ दास गोसाई बोले शास्त्रों का पूरा विचार है बिना दीक्षा, वास्तविक दीक्षा, दिखावा दीक्षा नहीं, ये बात को हम उठाया, प्रभुपाद जी ने बताया लौकिक दीक्षा और वास्तव दीक्षा एक नहीं है, ये बात को हम पहले ही बताए, चाहे लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए हम डरते नहीं, ये बात को ध्यान देना, वास्तव दीक्षा और तथाकथित दीक्षा, दिखावा दीक्षा दोनों एक नहीं, वास्तव दीक्षा हो जाए ये ठीक है, वास्तव दीक्षा होने का बाद उसका अधिकार होगा, धीरे धीरे भजन करते करते अधिकार आ जाएगा, लेकिन वास्तविक तो हुआ नहीं, ही हमारा गुरु वो है कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुनना शास्त्रों का भी, हम आपको चीटिंग करने के लिए बैठा नहीं, जो सत्य है सत्य बात को बताएंगे।
इधर बताया गया जो जब शुद्ध नाम जवान पे आए तब तो एकदम मालामाल हो जाओगे। एक कृष्ण नाम का संकेत जो नाम का आभास इसके सारे पाप चला जाए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप कय आर एक कृष्ण नाम लोहिते प्रेम उदय। अरे बाप रे बाप क्या सिद्धांत तो है चिंता है। तो फिर हम क्या विचार करेंगे हरिनाम लिया है पूरा एक एक सोसाइटी में चल रहा है हमको अफसोस होता है क्या साहब लड़ाई हो रहा है दुख की बात है कोई विचार नहीं मर्सीलेस गुरु वर्गों का सिद्धांतों को काट के फेंक दिया अपना अपना सिद्धांत तो बोल रहा है सब लड़ाई हो रहा है क्या करे बोलो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका समाधान किए सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर इसका समाधान किए कोई सुनता नहीं सुनो ध्यान से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए हरिनाम का द्वारा सब कुछ सुविधा हो जाए यहां तक कि कृष्णो प्रेम तक प्राप्ति हो जाए 100% गारंटी बट इस बात पर 100% गारंटी है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया बट इसमें एक बात है लेकिन वो लेकिन क्या है मुझे ये जो लेकिन है इसमें एक बात है क्या है बोले जो व्यक्ति का पूर्व संस्कार का इतना ऊंचा सगा है इतना ऊंचा उसका पूर्व संस्कार है इतना ऊंचा मतलब पूर्व जन्म में उसका बहुत कुछ हो गया है वो इतना विश्वास नाम पे 100% विश्वास हरिनाम 100% मैं हरिनाम का साथ स्वयं हरि है जिसका हृदय में ऐसा 100% विश्वास है उसको दिखा का जरूर नहीं आओ लेके आओ 100% विश्वास हरिनाम ही हरि है जिसका हृदय में विश्वास पैदा हो गया पूर्व संस्कार के अनुसार उसको आर दिखा का जरूरी है नहीं दिखा हो गया हरिनाम ही दिखा हरिनाम ही पूर्व शरण हरिनाम ही सब कुछ ये सिद्धांत हुआ गुप्त तो सिद्धांत हो लेकिन जब तक ये ना हो तब तक क्या है ये सब ऑर्डिनरी सब आदमी के लिए क्या करोगे बोले सबका लिए दीक्षा विधान इट्स ए मास्ट दीक्षा विधान 100% दीक्षा लेना ही चाहिए नहीं तो होगा ना क्यों हरिनाम चिन्मय वस्तु है हरिनाम और हरि और गायत्री मंत्र जो है आपको जो गुरु गायत्री आदि इसके द्वारा आपका जो मेटेरियल जगत का साथ जो अटैचमेंट है ध्यान से सुनना जितना सारे जड़ जगत का आदमी सब है इन सब लोगों का जड़ जगत के साथ एकदम अटैचमेंट है टाइट अटैचमेंट इतना टाइट अटैचमेंट है वो जड़ विषय को अलगा अलगा करने के लिए दूसरा संस्कार पद्धति चाहिए। गायत्री मंत्र जड़ भक्ति को अलगा करके अपराकी जगत के साथ थोड़ा संबंध बनाने का काम करता है That is function, ब्रह्म गायत्री गुरु गायत्री आदि गुरु गायत्री तो बड़ा काम का सुंदर तो मेटेरियल आदमी को चिन्मय भाव दिलाने के लिए पहले संस्कार आदि सब जरूरी है। दसविध संस्कार तो मामूली दसविध संस्कार तो है ही है गर्भोधान से लेकर एकदम मौत तक जब जलाएगा आदमी को तब तक दसविध संस्कार ऐसा तो बहुत सारे संस्कार है बहुत सारे संस्कार है ये सब सुनने जाओ तो पागल हो जाओगे। बिना संस्कार होता नहीं जन्म जन्म का जो मैल है जन्म जन्म का जो संस्कार है इसको काटने फेंकने के लिए अगर आबार अभी हम हरिनाम बोले हरिनाम के दा तुम तो हरिनाम करोगे नहीं नाम अपराध करोगे हम मैक्सिमम नाम आवाज कर दिया ठीक है चलो लेकिन शुद्ध नाम तुम्हारा जवान पे आएगा नहीं जब तक गुरु कृपा ना होए। गुरु कृपा करके संस्कार करे और संस्कार का अर्थ क्या है दीक्षा का अर्थ क्या है पूर्व पूर्व जितना भी जन्म है सब जन्म का जितना सारे पाप है हैं इसका संशय क्षय मैंने सम्यक रूपे क्षय कर देगा इसका नाम दीक्षा है। दीक्षा के द्वारा शास्त्रों में ये विचार
ये विचार दिखाया गया कि देखो जन्म जन्म का जो पाप है सबका सब गुरु जी क्या करे आपका सारे जला के खाक कर दें। जब गुरुचरण वास्तव आश्रय हो जाए तो गुरु जी उसका जन्म जन्म का जो पाप है सबको जला के खाक कर। इस सिद्धांत और हम चर्चा करेंगे काल परसु काल। जो गुरु जी जब किसी को दिखा देते हैं उसको तमगुण में अर्थात उसका जो पाप है दुर्जातित्व उसका जो पाप है उसका जो माने जितना सारे उसका अंदर में मैला है उसका जो उसको रखते हुए दीक्षा नहीं देता उसको हटा के दिखा देता है। गुरुजी जो सदगुरु हो वो शिष्य का अंदर का जितना सारे पाप है जितना सारे जो कुछ भी है उसको पूरा साफा करके फिर दिखा दे। दिखा के द्वारा यही माने होता है दिव्यो ज्ञान यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम। दिव्यो ज्ञान यतो अरे हमारा दिखा हुआ क्या कौन सी दिखा हुआ तुम्हारा दिव्यो ज्ञान नहीं हुआ उठपटंग कर रहे हो तुम बोले हम हमारा गुरुजी कौन है तुम्हारा गुरुजी है तुम्हारा दिखा हुआ बोला हाँ हमारा दिखा हुआ 20 साल हो गया हमारा आज कोई बोला 40 साल हो गया हमारा दिखा हुआ हमारा वाह खूब सुनते 40 साल हो गया। लेकिन दिखा का जो प्रभाव है कोई भी चीज उसका तो प्रभाव दिखेगा कोई दिखा ही दिखा का प्रभाव क्या सामान्य कांडोज्ञान नहीं हो रहा है सामान्य कांडोज्ञान कॉमन सेंस नहीं हो रहा है तो दिव्य ज्ञान तो दूर की बात है हम प्रतिभाव का किताब में लिखा था और तुम्हारा कांडोज्ञान नहीं हुआ तो दिव्य ज्ञान कहां होगा तुम्हारा दिव्य ज्ञान कहां से होगा कांडोज्ञान नहीं हुआ कॉमन सेंस इसका भी कमी है तुम्हारा अंदर में क्या हो बोलो दिव्य ज्ञान यथो यद्यात कुरियत पापस्व संशयम गुरु जी ये दिखा देते। तो जब शिष्य शरणागत हो जाए इसके द्वारा गुरु जी उसका अंदर में पाप को खय कर दे। गुरु जी का क्षमता है सदगुरु का इतना पावर है तुम कुछ भी करो उनको पकड़ के एकदम निकल दे। इतना क्षमता है सदगुरु बाबा का इतना प्रभाव है गुरु विष्णु का जो किसी को अगर सोचे कि इसको हम पार करें किसी बाप का हिम्मत नहीं इसको रोके। अगर मन से सोच ले इसको हम पार करेंगे अगर उल्टा बेईमानी किया फिर भी वो पार करेगा एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में पार करेगा। मुंह जवान से निकल के उसको हम पार करेंगे अचानक अगर हो गया और अगर सिद्धांतों को पकड़ के रखे गुरु जी का चरण वैष्णव का तो उसका तो इसी जन्म में पार हो जाएगा। माया तो स्पर्श नहीं कर सके जिसको गुरु वैष्णव सामने है पहलदार गुरु जी देख रहे हैं कब किसको माया पकड़ रहा है क्या कर सब दिव्यो दृष्टि के द्वारा सावधान हो जाते। तो माया तो ऐसे भी पकड़ ले किसी को क्या करे लेकिन जब गुरु वैष्णव में 100% विश्वास है हरिनाम में 100% विश्वास है उसका लिए और दिखा का जरूरी है नहीं। दिखा संस्कार जो क्योंकि उसका हरिनाम के द्वारा ही दिखा आदि सारे हो जाएगा। लेकिन है विश्वास नहीं है तो ऐसा मत बोलो कि हरिनाम हो गया सब हो गया हरिनाम के उल्टा सिद्धांत तो बोल रहे हो आप झूठा बोल रहे हो ऐसा उचित नहीं सच्चा बताना चाहिए गुरुवर्गों का सिद्धांत नहीं तो तुम्हारा अपराध लगे। तो ऐसा करके देखो अभी विचार आ रहा है कि अजामिल का क्या हुआ अभी इतना सिद्धांत तो आपने बताए ठीक है हम बताएं अब अजामिल का जिंदगी में क्या हुआ उसका तो दिखा नहीं हुआ था तो इसका बारे में सिद्धांत तो बताओ क्या हुआ। भले महाराज अजामिल का पास अजामिल इतना दिन अपना लड़का को बुला छोटा लड़का का नाम नारायण रखा ए नारायण इधर आ ऐसा करते करते खा नारायण खा ले नारायण सो ले मेरा साथ चल इधर जाए नारायण बोलते बोलते उसका नामाभास हुआ था। नामाभास के द्वारा तो पाप जाता ही है। नामाभास नाम अपराध क्या है भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर बताया कि देखो अगर तुम्हारा जिंदगी में संबंध ज्ञान प्राप्ति का विषय हो गया संबंध ज्ञान प्राप्ति हुआ अब संबंध ज्ञान प्राप्ति का बाद भी आप उल्टा कर रहे हो तो आपका नाम अपराध होगा समझा। ये सब आम आदमी समाज का जो साधारण आदमी है वो उसका साथ गुरु वैष्णव का ठाकुर जी का संबंध नहीं हुआ वो अगर कभी भी ए नारायण ए कृष्ण कह दे तो नामाभास हो जाएगा।
लेकिन तुम दीक्षा लिए हो संबंध ज्ञान का प्राप्ति करने का बावजूद तुम उल्टा कर रहे हो अपराध, तो तुम्हारा नाम अपराध होगा। नामाभास हय कभु सदा नाम अपराध। जगदानंद का पिंबी वर्त पाठ करना, हिम्मत है तो जगदानंद का पिंबी वर्त पाठ करना, सबको सुनाना, सब छोड़ो। अगर मिनिमम गौ जगदानंद का प्रेम विवर्त तो किसी का हिम्मत है वो पढ़े और समझे और जिंदगी में, उसका बाद वो आचार जो हो कुछ भी हो उसका बाद होगा। जगदानंद प्रेम विवर्त को मान रहा है कि नहीं देखो। हाँ, गुरार आमी बोलीले नहीं चले, गुरार आचार गुरार विचार लोईले फल फले। लोग देखानो गुरा भजा तिलक मात्र धरी, गोपने ते अत्याचार गुरा धरे चुरी। ऐसे देखो गांव गांव में जाओ, सब तिलक लगा के मछली खाता है, मांस सब खाता है, अत्याचार कर रहा है। अब बोले हम गौरंग भजन करता है, आउल बाउल करता बता सा, सारे समाज को छा दिया है। इससे वैष्णवों का नाम सुनते वैष्णव थू घिना करता है। क्यों? वैष्णवों का नाम लेकर अत्याचार चल रहा है। आदमी समाज का आदमी का कोई आइडिया नहीं है, वो सोचेगा यही बोला वैष्णव। स्त्री लोग रोके लेके रहे, मछली मंस खाए, शरीर में सरसों तेल घोसे, इतना अत्याचार इतना होता। बोले हम गौर भजन करता है। हाँ तुम ही तो गौर भजन, हम क्या गौर भजन करें, तुम ही तो कर रहे हो। तो तमाम आदमी का ये जो गौर भजन मैं कर रहा हूं हम लोग गौर भजन कर रहे हैं, ऐसा जो विचार है ये विचार तो सब बोलेगा। लेकिन कौन वास्तव गौर भजन करे और कौन ना करे इसका विचार तो होनी चाहिए। जब माधवाचार्य संप्रदाय को गौरांग महाप्रभु ने ग्रहण किया, अभी भी इस बात को लेकर कितना लड़ाई चल रहा है, इसका जवाब ठाकुर जी का कृपा से मैंने दिया। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज सारे गुरुवर का सिद्धांत तो लेके विचार दे दिया, अभी भी वो अभी भी लड़ाई बंद नहीं होता। मायावादी है, वैष्णव का बेस में है। बोले महाप्रभु माध्वाचार्य का संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया, तत्ववादी का उधर गया। बोले तुम्हार संप्रदाय ये ज्ञान और ये कर्म ये दुई चिन्ह है तुम्हारा संप्रदाय में। तत्ववादी जो आचार्य जो था तब की क्षमाए ये सब विचार, तो कैसे हम मानेंगे माध्वाचार्य को, माध्वाचार्य संप्रदाय का गौण किया महाप्रभु। ये सब विषय में विचार होनी चाहिए, सूक्ष्म विचार। माध्वाचार्य का जितना सारे किताब है, उपनिषद का व्याख्या, भागवत का ऊपर उपनिषद का व्याख्या में पक्का एकदम दिया हुआ है। माध्वाचार्य का विचार है उसमें बिल्कुल शुद्ध भक्ति का विषय है, ज्ञान कर्म का कोई विषय नहीं है। लेकिन महाप्रभु जब उधर पहुंचे, वो जो तत्ववादी आचार्य जो तब का समय महाप्रभु के साथ जिसका दर्शन हुआ, वो माध्वाचार्य का जो सिद्धांत है उसको छोड़कर नया सिद्धांतों में चल रहा। वो बोला माध्वाचार्य ऐसा निर्णय किया ज्ञान कर्म प्रधान, इसीलिए हम मानते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु का संप्रदाय में हम भजन करता है, और तुम किसको बोलोगे किसको कैसे समझोगे? ये तो बोल रहा है गौरांग महाप्रभु भजन कर रहा है, इसको तो तिलक माला है महाराज, ये भी तो कैसे लड़ाई हो जाए? ऐसे वो जो है जो तत्ववादी आचार्य जो तब की समय उपस्थित थे, वो उसको डायरेक्टली महाप्रभु ने बताए, तुम जो अपना मनमानी जो सिद्धांत तो बोल रहे हो ज्ञान कर्मो ये तुम्हारा स्थापन किए, तो ये तो ठीक नहीं है। वो खामाखा बोल रहा है जो माध्वाचार्य जी ने ये निर्णय किया, लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव ने गोस्वामी लोगों का विचार देखो, एक एक विचार उठाओ उपनिषद का, किसी भी जगह ऐसा नहीं है माध्वाचार्य ज्ञान और कर्म को प्राधान्य दिया, उल्टा मायावाद को खंड विखंड किया। माध्वाचार्य का विषय में सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इतना बड़ा पावरफुल वायु का अवतार साक्षात हनुमान जी, उसका बारे में ऐसा बोल रहा है माध्वाचार्य का संप्रदाय हमारा नहीं है, क्योंकि वो माध्वाचार्य का भी आचार आचरण नहीं लिया सिद्धांत, अपना मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। महाप्रभु जब पूछे साधु साधन तत्व बताओ, उसमें ज्ञान कर्म स्थापन कर दिया, महाप्रभु ये क्या बात है? ऐसा है जो भी है। अभी देखो, अभी
अजामिल का दीक्षा हुआ कि नहीं, ये प्रसंग में आए। अजामिल जी महाराज जो है अभी वो नामाभास हुआ, संबंध तो नहीं हुआ था लेकिन नामाभास हुआ, नामाभास के द्वारा तो पाप जाता ही है, सारे नामाभास हुआ। इसके बाद एक प्रसंग आता है, जब वो लड़का को चिल्ला के बुलाया नारायण बोल के, जब जमदूतों को देखा डर के मारे चिल्लाया। इस समय टीकाकारों ने बताया कि मानो उसका जवान में चिन्मय नाम का थोड़ा बहुत स्पर्श हो गया था, क्योंकि इतना दिनों से नारायण नारायण बोलते बोलते तो नाम का अभ्यास हो गया, थोड़ा नाम का अभ्यास हो गया था। अभ्यास होते होते कौन जाने पूर्व संस्कार होगा, ब्राह्मण था, सालगम पूजा करता था, ठाकुर जी का करुणा है, और उसका जवान से चिन्मय नाम का थोड़ा वो स्पर्श हो गया था, इसलिए वैकुंठ पार्षद आया। नामाभास होने से वैकुंठ पार्षद नहीं आएगा नामाभास से। ये जो जमद विष्णुदूत आए, इस विषय में आसाम का एक कहानी है सुंदर, आसाम का सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा लिए थे पति पत्नी, लेकिन भजन का कोई विषय नहीं है। अभी जो है बहुत दिन हो गया, पत्नी तो भजन करती है लेकिन स्वामी जो है असत्संग के द्वारा दारू पीना मांस खाना सब कुछ अत्याचार जुआ चू सब कर रहा है, लेकिन पत्नी जो है धर्म पत्नी स्वामी को बचाने के लिए पत्नी ने स्वामी तो हरिनाम का झोला जो है फेंक दिया, रख दिया, वो तो करेगा नहीं। पत्नी स्वामी का नाम लेकर वो अलग से अपना नाम तो है ही है, वो झोला जो है पड़ा हुआ उस पर भी नाम करके उसका नाम पे कर रख दे, ठाकुर जी उसको बचाओ, धर्म पत्नी है। अब उसका जो उम्र हो गया और तबीयत भी बहुत खराब है, तबीयत जब बिल्कुल खराब हो गया वो उसका मौत का समय आ गया। जब मौत का समय आ गया तो वो देखा जमदूत आ रहा है ऊपर आ गया, हाँ डर के मारे एकदम पसीना आ गया, पसीना आ गया और चिल्ला के ना जाने किस सुकृति के द्वारा जवान से प्रभुपाद बचाओ ऐसा निकल गया, जवान से निकल गया, प्रभुपाद का नाम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बचाओ, बस इतना निकल गया। साथ ही साथ प्रभुपाद आए, प्रभुपाद आके जमदूतों के ऐसा किया रोका जाओ, प्रभुपाद शत्रुंत आ गया आके। ऐसा एक घटना नहीं है, हमारा वृंदावन में जो गोपीनाथ घेरा है उसमें दक्षिण भारत का दो ब्रह्मचारी दक्षिण भारत का सिलो, एक का नाम राघव चैतन्य प्रभु, एक ही नाम सुनो इसका ही घटना है और भी दूसरा है। इतना ऊंचा कोटि का भक्त था, देखो क्या पा रहा है, इधर का आदमी जो है ना बिल्कुल हमारा इच्छा नहीं लगता, एक भी आदमी जिसके कॉन्शियसनेस नहीं, मिनिमम तो उधर जो है क्या बोल रहा था अभी बोल गया हा? गोपीनाथ घेरा पे दो ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का आश्रित, बड़ा पावरफुल शिक्षित आदमी है, इतना सुंदर अंग्रेजी है उसका, आविर्भाव या तिराभाव थी, मैं हरिकथा भी बोला, विदेश दक्षिण भारत से लोग आए थे अंग्रेजी में, सुंदर बहुत दिन पहले, इतना सुंदर है वो, नाम का ऊपर एक किताब भी लिखा अनुभव के द्वारा, डिवाइन नेम ऐसा बोल के। ये जो राघव चैतन्य प्रभु है प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहिए, बस वही गोपीनाथ घेरा में बैठ के हरिनाम करते थे। अरे ऐसा माफी का आदमी अगर समाज में जाए कितना हजारों आदमी का मंगल हो जाए, सो फ्लुएंसी उसका भाषा का, इतना सिद्धांत तो है, लेकिन प्रतिष्ठा आ जाएगा इस डर के मारे वो बैठ के हरिनामी करते थे। अंतिम समय था, पहले थोड़ा किया था प्रचार, और करते करते एक बूढ़ी माँ, उसका जो शरीर छूटने वाला है, एक बूढ़ी माँ एकदम बूढ़ी, वो 80 साल का उम्र होगा, बोले उसका सामने, फिर
वो बूढ़ी माँ ने बाबा को देखा ऐसा ऐसा कर रहा है सोए हुए। बाबा क्या देख रहे हो? बाबा कुछ राघव चैतन्य जी के पूजा, बाबा क्या देख रहे हो? प्रभुपाद आ गया, राधा गोविंद जी आ गया, गौरांग महापू आ गया, देख रहा हूं। बस उसके बाद थोड़ा पानी दिया, चरणामृत दिया, छोड़ दिया शरीर। कितना सुंदर बात है। देखो भक्तों भजन करे, ठाकुर जी ना आए ये भी कोई संभव है? ठाकुर जी क्या पागल है? ना तुम पागल हो। हम भजन किया, ठाकुर जी दर्शन ना दे वो ही नहीं सकता। ठाकुर जी बेईमान नहीं है, कृतज्ञ बदान्यो सूची। ठाकुर जी एक भी दिन हम शुद्ध नाम किया है, ठाकुर जी का सेवा किया, ठाकुर जी कृतज्ञ है, बेईमान नहीं है। इनार का आदमी सब बेईमान है, इधर का आदमी सब बेईमान, सब आदमी है, समाज का आदमी। वो याद नहीं करता ठाकुर जी क्या दे रहे हैं हमको और हम क्या कर रहे हैं। तो ये आसाम का आदमी जो है मरने का समय जो है प्रभुपाद बचाओ बोल के एक चिल्ला दिया। बस प्रभुपाद आ गया, जमदूतों को निवारण किया, उसके बाद जमदूत सब चले गए और वो छलांग लगा के बिछना से उठा। उठ के पत्नी को बुलाए, ए जल्दी 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 मेरा हरिनाम का माला लाओ, माला लाओ, कहाँ गया मेरा माला, माला लाओ, माला लाओ जल्दी। अरे महाराज क्या हुआ, इतना दिन हुआ तुम माला छोड़ दी, अब माला का याद हुआ? बोला हाँ। क्यों? प्रभुपाद आया, गुरु आया ना, गुरु आके फिर उसको उस दर्शन के साथ साथ दीक्षा का जो फल है पुनर्प्रतिष्ठित हो गया प्रभुपाद का दर्शन के साथ। माला लाओ, माला लाओ मेरा। वो जो माला पकड़ा है अब तो उसको तो जाना था ना, जमालय में जाना था, लेकिन प्रभुपाद जी बता दिए, बचा दिया। उसके बाद जो माला को ग्रहण किया अंतिम समय तक माला करते रहा और माला छोड़ा ही नहीं जिंदगी में, हर वक्त माला छोड़ा, हर वक्त माला छोड़ा ही नहीं। सदगुरु का वैष्णव का इतना पावर है। मेरा कहने का मतलब है जे ये जो तुम्हारा आपका जो जमदूत को निवारण करने के लिए विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए किसका पास? अजामिल का पास। अभी प्रश्न होता है ये वैकुंठ पार्षद, माइंड इट, ये वैकुंठ पार्षद है कि तुम्हारा जगत का कोई आदमी नहीं है? वैकुंठ पार्षद नारायण का मापिक देखने में पूरा चतुर्भुज है, सुंदर जैसे नारायण वही है, सिर्फ इधर कौस्तुभ मणि नहीं है। ये जो वैकुंठ पार्षद आए हुए हैं और वैकुंठ पार्षद को ये जो अजामिल देख रहे हैं, वाह कितना सुंदर, आ हा हा। तो वैष्णव दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, ये सब सिद्धांतों को टैली करो मैथमेटिक्स का मापिक, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा। वो तो वैकुंठ पार्षद है साक्षात महाराज, उसका दर्शन के द्वारा नारायण का स्थिति तो हर नारायण मापिक देखने में आया, पहला सुविधा हुआ। और वो वैकुंठ पार्षद जो है, विमल पार्षद जो है, ये वैकुंठ पार्षदों के स्वाद जमदूत का जो पार्षद, जमदूत जमराज जी महाराज का जो पार्षद है, इन दोनों में ये दोनों टीम जो है, ये विष्णुदूत है जमदूत, और दोनों का जो टीम है, दोनों टीम में आपस में हरिनाम का महिमा का बारे में चर्चा हुआ, हुआ नहीं चर्चा? तो अभी बताया हरिनाम ऐसा है, हरिनाम ऐसा है। तो किसी ने अगर बोले ये जो सिद्धांत तो है, अजामिल ओपी अगाध्यामम, अजामिल भी धाम को चले गए, तो वो लोग उल्टा सिद्धांत तो बोलते मैं अजामिल धाम को चले गए। अजामिल कैसे धाम को चले? बोला वो तो नामाभास करते करते चला गया। मैं नहीं, उसका दिखा हो गया, वैकुंठ पार्षद आए हुए हैं, वैकुंठ पार्षद चर्चा कर रहे हैं, तो हरि का नाम हरि क्या है, कैसा है, जमदूत भी बताया विष्णुदूत, ये जो अपराकृत हरि कथा जो है उसका कानों में आया, ये तो दिखा है। दिखा किसको? परीक्षित महाराज का दिखा नहीं हुआ, ये तो तुम पागल हो इसलिए बोल रहे। तमाम भगवत कथा सुनने के बाद अगर परीक्षित महाराज का दिखा नहीं हुआ, तुम्हारा ये विचार है तुम एक पागल हो, तुम चले जाओ। तमाम भगवत कथा सुना, संबंध में चैतन्य महाप्रभु बार बार बताए, बार बार बताए कि संबंध और विधि प्रयोजन तीनों चीज है, तीनों चीज का स्थापना कर दिया। किसने कर दिया? सुखदेव गोस्वामी। संबंध विधि प्रयोजन तीन तत्वों का स्थापना कर दिया, भागवत सुनाते सुनाते
तो क्या उसका दिखा का कोई कमी रह गया क्या? तुम्हारा दिखा हुआ उसका दिखा नहीं हुआ? सिद्धांत तो नहीं जानता, खाली लड़ाई। ठाकुर जी का कृपा ना हो, सदगुरु वैष्णव का कृपा ना हो, राधा रानी का कृपा ना हो, तब तक ये सब सिद्धांत तो जवान पे आएगा नहीं, संभव नहीं। एक बामन जी था, अरे बाप रे बाप क्या सिद्धांत हो, अरे बाप रे बाप एकदम क्या सिद्धांत हो, कभी भी गलत सिद्धांत कोई नहीं सुना। बामन जी महाराज कितना बड़ा महात्मा। अरे अभी देखो तो अजामिल का क्या हुआ था, अजामिल का दिखा का, अजामिल का दिखा का कोई कमी नहीं रहा, दिखा हो गया। हरिनाम का बारे में सुना, हरिनाम का प्रभाव, हरिनाम भी सुना, हरिनाम का महिमा सुना वैकुंठ पार्षदों से, और वैष्णव विष्णु दूतों का आपस में चर्चा हुआ, बस यही उसका लिए काफी है, ये दिखा हो गया। जैसे हमने बताया था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये इसको जगदीश प्रभु को बता रहे, आपका दिखा हुआ? नहीं नहीं हमारा अभी तक दिखा नहीं हुआ। कैसे कह रहे हो कि आपका दिखा नहीं हुआ? आप आ रहे हो भक्ति विनोद ठाकुर के पास से, विमला प्रसाद आपको भेजे हैं, और आ रहे हो अंतोद्दीप से, हमको तो लगा आपका दिखा हो गया। तो दिखा का एक्यूरेसी जो है इसको समझ, गौर किशोर बाबा दिव्य दृष्टि जे, तुम्हारा तो हमको लगता है दिखा तो हो ही गया, क्या कौन सी दिखा का बाकी रह गया? ये गौर किशोर बाबा जी महाराज का विचार है। आप अंतर्दीप से, अंतर्दीप जो है हमारा भी दिखा अंतर्दीप में हुआ था, दिखा हुआ कि नहीं जानते नहीं, ठाकुर जी जाने, लेकिन अंतर्दीप में हुआ था। अंतर्दीप मतलब मायापुर, ये अंतर्दीप है। अंतर्दीप आत्मनिवेदन क्षेत्र है, अंतर्दीप आत्मनिवेदन क्षेत्र। आज संन्यास का क्षेत्र है, सबसे हाई कौन जगह है संन्यास का, सबसे ऊंचा जो विचार अगर भक्ति में ठाकुर का, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल, क्योंकि वहां चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्ब लीला किया, उधर हुआ था मेरा संन्यास, वो भी कार्तिक पूर्णिमा, कैसा सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य। गुरु जी पूरा रात जागे थे, हम भी जागे थे, बोले तेरा फ्यूचर देख रहा था, क्या होगा? क्या देखे वो तो बताएगा नहीं, ऐसा बोला, पूरा रात मैं देख रहा था तुम्हारा फ्यूचर, दिव्य दृष्टि। पुरुषोत्तम क्षेत्रों संन्यास के लिए सबसे टॉपमोस्ट जाएगा है। भक्ति में ठाकुर विचार किया, वहां गौरंग महापो विप्रलम्ब भाव आस्वादन किया, गौड़ियो वाले के लिए दैट इज द टॉपमोस्ट प्लेस, भजन का जो प्लेटफॉर्म है सबसे ऊंचा है, वहां चैतन्य महापो वृंदावन का लीला जो है ये आस्वादन किया, रोते रोते पागल का मापी। एक एक लीला सुनोगे तो एक एक लीला सुनोगे तो संसार छोड़ दोगे, एक एक लीला सुनोगे चैतन्य महाप्रभु का भाव, चैतन्य महाप्रभु का रोना, चैतन्य महाप्रभु का आश्चर्य जो विकार, इसमें संसार स्पर्श नहीं कर सकता, संसार कैसे स्पर्श करे, संभव नहीं। तो परीक्षित महाराज का दीक्षा हो गया, प्रभुपाद बोल रहे हैं, और अजामिल का भी दीक्षा हो गया, उसके बाद हरिनाम सुना। तो अजामिल अभी जो बात है, ये विचार आ रहा है, अभी जमदूतों ने भग गया, विष्णुदूत बचा दिया, बचाने का बात फिर वो जो असम का आदमी का बात बोला, ऐसा अजामिल का जिंदगी में वही हुआ। अजामिल उठ के क्या हुआ, लड़का लड़की वेश्या पत्नी गोली मारो, सब करके सब पूरा उसी मुहूर्त सुस्त हो गया, जाना था मरना मानने वाला था, उसी मुहूर्त सुस्त हो गया, विष्णु का दर्शन हुआ, अमृत सिंचन किया, उसी मुहूर्त कौन मेरा लड़का है, कौन लेरा पत्नी है, सब छोड़ के चूल्हे में जाए, मेरा संसार चूल्हे में जाए बोल के उसी मुहूर्त वो पूरा चला गया, कहां, हरिद्वार का ओर चल दिए, हरिद्वार सहस्र धारा का उधर बैठ गया, भजन के ठाकुर जी मेरे को बचा दिया, आज आप मरते मरते बच गया, मैं तो ब्राह्मण था कांडकुब्ज कुल का, अब हम भजन करेंगे, बोलते बोलते भजन शुरू किया, भजन करते करते सिद्ध हुआ, फिर वैकुंठ में गया। तो ये जो उल्टा व्याख्या करता है समाज का, जो भागवत का था उसमें व्याख्या करता, महाराज हो गया सिद्ध हो गया, सिद्धांत तो नहीं बताते, कितना उटपटांग सिद्धांत तो है, हजारों हजारों,
जब पागल जैसा है सब वृंदावन जैसा, जब सब मरता है, सब मरे विचार नहीं है, मरता है सब। ये जो प्रकाशानंद प्रबोधानंद सरस्वती का बात बोला, ये विचार अगर उसका सामने पेश के तो भी मानेगा नहीं। देखो ये जो सिद्धांत तो है, कैसे हो सकता है एक व्यक्ति जिसको चैतन्य महापुर साक्षात परत्पर अखिलेश्वर जिनको कृपा कर दिया, भरपूर प्रेम आ गया, जिन्होंने जिंदगी में रसो राधा रसो सुधा निधि आदि धाम का महिमा आदि वृंदावन महिमा सब लिखा, वो कैसे हो सकता कि बाद में जाके मायावादी हो जाए, पागल हो गया क्या, पागलपंथी है ना। राधा रसो सुधा निधि जो उच्चा कोटि का जो परमंश है वैष्णव समाज में, वो छोड़ के कोई पाठ नहीं कर सकता, इतना ऊंचा रस। ये ग्रंथों को थोड़ा ऐसा करो तो रस रस गिर जाएगा, अपराकित रस। अब कैसे आप बताओगे जो काम मन में भजन किया वो बोला मायावादी हो गया वाराणसी जाके, वो पागल है ना। और जो लोग बड़े बड़े कथाकार व्याख्या कर रहे हैं वो तो मायावादी है, मायावादी है ना, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ इसलिए भक्त बन गया काम मन में भजन किया, वो उल्टा बोल रहे। तो तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु का चरण में कोई विश्वास नहीं है और तुम दो एक श्लोक बता के गौड़ीय समाज को भड़का रहे हो, पागल सब। दो एक चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा श्लोक बोल दिया बस चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये सिद्धांतों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि चैतन्य महाप्रभु को आदमी समझा, एक साधक समझा, कभी भी भगवान नहीं समझा। ये जो देखो ना इमली तला का कार्ड, अगर हम रहता हमारा नाम उधर होता, तमाम सारे वैष्णव समाज उधर होता, एक विचार कम उठाते, बोलो इतना सारे आप इतना सारे बड़े बड़े महात्मा हो, कब गौड़ीय मठ का कुछ विचार आपने उठाया कभी, एक क्वेश्चन रखते सब नीचा हो जाते। लेकिन ठाकुर जी का कृपा है, हम दूर रहे सब लफड़े में, हम नहीं पड़े, जा मर मरने जा, मरने का इच्छा है तो मरो, जो इच्छा है ये सब में हम जाके क्या करें। तो इधर देखा अजामिल का ऐसे सिद्धि हुआ, विचार समझ में आया, थोड़ा विचार आपका समझ में आया, ऐसा करके धीरे धीरे अजामिल का सिद्धि भी हो गया। बाद में अभी तो समय भी हो गया, आप क्या करें। और ये जो विचार आता है देखो, विष्णु दूतों ने बताता है देखो हमारा जमराज जी महाराज जो है साक्षात जमराज जी महाराज द्वादश महाजनों में एक है, इतना बड़ा हमारा महाजन है महापुरुष, ये बता रहे कुछ विचार बता रहे। क्यों जमदूतों का बड़ा बड़ी शंका हुआ, जमदूतों ने जमालय में गया, महाराज आज तक हमारा ये विचार था आप ही सबसे ऊंचे हो विचार करने वाला, अब उधर अजामिल को पकड़ने गया तो रोक दिया, अब हमको परास्त कर दिया, आप बताओ विचार करने वाला आप हो कि आपका ऊपर कोई है, इतना दिन से सोचा कि आप ही विचार करने वाला। जमराज हंसते हुए बोला देखो हमारा ऊपर भी एक है, हमारा ऊपर है ठाकुर जी, इसका आदेश में पालन करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब हम जो शासन कर ले। देखो जब भी कोई गुरु वैष्णव देखोगे और ये लोग जो है हरिनाम कर रहे हैं हरि कथा सुन रहे हैं, कभी भी ये लोगों का पास मत जाना, जमराज बोले हैं बोला दिया, इधर पूरा बोल दिया कि मत जाना जब देखोगे, तो फिर बोले ये जो धर्म है भागवत धर्म है, हरिनाम का, हरिनाम का गोहन भगवान का कथा सुनना ये भागवत धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवः न सिद्ध मुखा असुरा मनुष्वा कुतो नु विद्वा धरोश्चरणादयो। धर्मो हे भटा, ये हमारा सब परिकर है, सुन लो ध्यान से, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म साक्षात भगवत ठाकुर जी का द्वारा ही प्रणीत है निर्णित है। आ कोई ऋषि मुनि को किसी ने किया नहीं, सिद्ध मुक्का असुरा मनुष्वा कुतो नु विद्वाधर चरणादयो, विद्वाधर चारण आदि ये सब क्या है, ये ना ये तो छोटा मोटा बात है, कोई ऋषि मुनि किसी का हिम्मत नहीं, सब ठाकुर जी ने स्वयं किया। और उसके बाद बोले देखो
स्वयंभूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको विश्व बलिर वैयास किरवयम दादो सहिते विजानीमो धर्मम धर्मम भगवतम भट्टा। हे भट्टा, हे दूतो, हे दूत सुनो, स्वयंभू ब्रह्मा नारद शंभु कुमार चतुस्सन कपिल कपिल जी महाराज मनु जी महाराज प्रहलादो जनको जनक महाराज विष्णु आप बोली अबैया सखी सुखदेव गोस्वामी, ये 12 महाजन हैं सब भागवत तत्व का पूर्ण ज्ञाता। बोलिया सखिर वयम, वयम मतलब हम, ये पूरा भागवत तत्व का ठाकुर जी का कृपा से भागवत तत्व का ज्ञाता है ठाकुर जी का, ये ऐसा है। द्वादश सहिते भी जानीमो, ये द्वादश महाजन जो है सब ये भागवत तत्व को जानते हैं बटा। और ये जो है इसका लक्षण, इसका स्वरूप लक्षण, ततस्थ लक्षण बहुत सुंदर है। भागवत धर्म कैसा है बोले गुह्यम गुह्यम विशुद्ध्यम और दुर्बोधम, ये तीनों जो डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन का द्वारा आपका खोपड़ी जो है वो उड़ जाए, ऊपर विचार आएगा नहीं, इतना सुंदर। बोले एक तो है गुज्जो, अति गुज्जो, उसके बाद विशुद्ध हो, मिलावटी नहीं है, एकदम विशुद्ध हो, और दुर्बोध हो, समझा समझना मुश्किल है, गुज्जम विशुद्धम दुर्बोधम, किंतु किंतु यद ज्ञाता अमृतम अश्नुते, जो जानने के बाद भगवत तत्व विज्ञान को आपका आपका हृदय में इसका ज्ञान आ जाए तो अमृतम अश्नुते, अमृत खाते रहोगे, अमृत खाते रहोगे, अमृत पूरा दिन भर जब भी देखो महाराज अमृत पी रहा है, कैसा है आंखें जैसा देखो कैसा है, जैसे सपने में विचरण कर रहा है, हर वक्त अमृत पी रहा है, इसीलिए कहा से आंखें ऐसा है। हाँ, अब बोले एतावनेवो लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म परः श्रुतः भक्ति योग भगवती तन्याम ग्रहणादि भी, भगवान का जो नाम उच्चारण यही मैक्सिमम लिमिट, हरिनाम का प्रभाव आना यही सबसे बे, भक्ति योग भगवती, भक्ति कैसे बोले, महाप्रभु बोले हरिनाम करना, जब ये तुम्हारा ये जो गोसाई जी इलाहाबाद से आए थे ना वल्लभ भट्ट जी, अब बोले ये लोग क्या है हरिनाम लेते हैं, स्वामी का नाम कोई लेता है, तो महाप्रभु गुस्से में आके बोले तुम कुछ नहीं जानते हो, स्वामी का आदेश है मेरा नाम लेना, इसलिए लेते हैं, एकदम खंड विखंड कर दिया, माथा नीचू के चला गया, तो तुम क्या विचार कर रहे हो, स्वामी का नाम लीजिए जाओ, महाप्रभु भगा दिया। बाद में कृपा मिला, बाद में जब कृपा मिला, बाद में जब कृपा मिला तो उसका बुद्धि भी सुधर गए, ठाकुर जी का ये सब लीला है, ये सब तो नित्य पुरुष है, हमारा बोलने का अधिकार भी नहीं है, इन चरणों में मेरा प्रणाम रहे। अब ऐसे जो है विचार करते करते देखो, अभी जमराज जी कह रहे हैं कि देखो बेटा, जमदूत है ना, जमदूत को जमराज जी महाराज स्वयं कह, देखो बेटा नाम उच्चारण महात्म हरे हे पश्वत पुत्र कहा, हे बेटा देखो नाम उच्चारण का महिमा, अजामिल ओपी जेनैव मृत्यु पाशात मुच्यत अमुच्यत मृत्यु पाशात, जे हरि नाम लेते हुए अजामिल मृत्यु पास आ गया, उसको भी छुड़ाकर बस चले गए। कैसा, अब आज से एक तुमको एडवाइस दे दे, उपदेश दे दे, इसको ध्यान रखना, कौन बोल रहा है, जमराज जी महाराज, किस किस को पकड़ के लाना मेरा पास, किसको नहीं लाना, प्रभु रोहम अन्न नीनम न वैष्णवानम, हम अन्न जितना सारे समाज का आदमी है सबका मालिक, लेकिन वैष्णव का मालिक मैं नहीं हूं, साक्षात ठाकुर जी है, प्रभु अहम प्रभु रहम अन्न नीनम न वैष्णवानम, वैष्णवों का विचार करने का अधिकार हमारा है ही नहीं, ऐसा ऊंचा है। तो ऐसा बेटा सुन लो, ये ध्यान से सुन लेना, कभी गलती नहीं करना, आप जो हुआ तो हुआ, एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा है, जमरूज का काम जमराज का काम कर रहा है ना, तो जमदूत का एक्सपीरियंस हो गया, आज कहाँ जाना है नहीं जाना है। तान अनायद्धमसतो विमुखान मुकुंद पदारविंद मकरंद रसाद अजस्रम, तान अनायद्धमसतो
विमुखान मुकुंद पदार विंद मकरंद रसात अजस्रम निष्किंचनैर निष्किंचनै परमहंस कुलै रसंगै जुष्टाद गृहे निरयवत्मनि बद्धतिष्णान। इसका माने क्या हुआ? बोले तानुआद, तानु मतलब बहुवचन, ये लोगों को पकड़ के लाना। तान अनायध मसतो, ये सब अशुद्ध व्यक्ति को मेरा सा मेरा पास पकड़ के लाना। तानो अनयधम अशतो विमुखान, जो मुकुंदो पदार बिंदो से विमुख है। इसका श्लोक भी पहले हम बताया था ना, सब भूल गया। जुस्मात प्रसंग विमुखा यह संसरंती, बताया था ना, भूल गया सब। जुस्मात प्रसंग विमुखा यह संसरंती, संसार में संसार आपका स्वरूप में है ही नहीं। स्वरूप में जो संसार कर रहे हो तो ऐसो कर रहे हो, क्या करें हम। लेकिन वास्तव आपका जो स्वरूप का उद्बोधन हो जाए तो देखोगे संसार हमारा स्वरूप में है ही नहीं। किसी जीवों का स्वरूप में संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं। उसका कर्म फल को भोगतने के लिए संसार में मनुष्य जो निभकर के घूम रहे, वास्तव स्वरूप में नहीं है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास। जब हो जाओगे देखोगे कृष्ण, हम ये कुलशेखर जी का बात काल बताएंगे, आज समय नहीं है। बाहर का बात बताने से अब समय भी चला जाता, क्या करिए। भी बहुत सुंदर उदाहरण, कितना बड़ा महात्मा है ये कुलशेखर जी, राजा है। तानो तानो अनायधम असतो विमुखानो मुकुंद पदार बिंदो मकरंदो रसात अजस्रम निष्किंचनैर परमहंस कुलैर असंगै। जो मुकुंद चरण से विमुख है जो, और परमहंस जो गुरु वैष्णव संसार में विचरण करने वाले जो सूक्ष्म वेश पकड़ करके, ये सब जो गुरु वैष्णव है जो हर वक्त ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते रहते हैं, अमृत वितरण करते रहते हैं, अगर ये सब साधु संतों के साथ, वो सब गृहस्थी है संसार का जो आदमी है, अगर ये लोगों का साथ इसका कोई परिचय ही नहीं हुआ, देखा तक नहीं हुआ पूरा जिंदगी, ये सब लोग को पकड़ के लाना। आज जिसको गुरु वैष्णव संग हो गया इसको तो क्या तुम्हारा क्या करोगे। निष्किंचन ही निष्किंचन परमंश कुलई रसंगई, असंगई मतलब संग नहीं किया। परमंश निष्किंचन जो कुल है गुरु वैष्णव, ऊंचे एकदम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, ऐसा गुरु वैष्णव का संग जिसका जिंदगी में नहीं बने हैं, नहीं हुआ है, ऐसा आदमी को पकड़ के लाना। क्योंकि वो हर हालत में संसार में ही है। जब गुरु वैष्णव का संग हो जाए तब तुम्हारा जिंदगी में संसार होना संभव नहीं है। कैसे संसार करोगे? जैसे हम पांचवा स्कंद में बताया था किसका बारे में, प्रिय व्रतों का बारे में। प्रिय व्रतों को जोर जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर संसार में भेजा, लेकिन प्रिय व्रत का अंदर में हृदय में संसार अंतकरण में संसार स्पर्श नहीं किया। क्या इतना राजा पूरा तमाम सप्तदीप अधिपति करने के बाद भी प्रिय व्रत का जिंदगी में संसार बोल के कोई चीज स्पर्श नहीं किया। फिर भी बेटा बेटी सब हुआ, पत्नी है, सब कुछ है, भक्ति विनोद ठाकुर का, शिवास पंडित का, शिवानंद सेन का, महापौर पार्षद पढ़ना, चैतन्य भागवत पढ़ना दिन रात, जब बचना चाहो कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। दिन भर ही विचार करो कैसे हम शरीर छोड़ के जाए, नहीं तो मरोगे, कौन बचाएगा, कोई नहीं है संसार में, पोती पत्नी बाल बच्चा कौन किसको बचाए, हैं कौन बचाएगा बोलो, जिसका तुम्हारा जाने का टाइम हो बचाएगा, कोई नहीं बचाने वाला। कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, भवसागर तू उतर जाएगा, हैं वो कीर्तन करने में बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ। अब गाने का टाइम है, हमारा वो जो बंशीदास बाबा जी महाराज है बोलते, अरे तुम तो गाई, तुम ही तो गाइया ही गला, बंगाल भाषा ढाकाई भाषा में, तुम तो गाइया ही गला, जार फाट लो तार फाट लो, ढाकाई भाषा, तुम तो गा के छोड़ दिया, और जिसका अनुभव है उसको दिल टूट गया एकदम, इतना कष्ट हो रहा है, अरे बाप रे कितना फीलिंग्स है, तुम तो गाइया ही गला, तुम ही तो गाइया ही गला, ढाकाई भाषा सुंदर।
ऐसा सुंदर है। तो ताना अनदम सतो विमुखानम कुंद पदार विंद मकरंद रसात अजस्रम निष्किंचन परमांश कुलेर असंग जुष्टात गृह गृह सुख गृह मेदी जो सुख इसी का आस्वादन कर ले। चाहे मठ में रहते हुए अंतर में संसार है वो भी गृह में दी है। बाहर में संसार नहीं, शादी नहीं किया, अंतर में संसार है बस वो गृह में दी, उसका भी ये विचार आएगा, उसको भी जो माने पनिशमेंट मिले बहुत। और जीवा जिस ठाकुर का नाम ले रहा है, जो मन ठाकुर जी का चिंतन कर रहा है, हैं, जिन्होंने जबान पे ठाकुर जी का नाम नहीं लिया कभी, जिन्होंने ठाकुर जी का चरण में कभी दंडवत ही नहीं किया, कृष्णा यो नो नमति जच्छीरो एकोदापि तान तानम मानयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्वानो। जो विष्णु वैष्णव और प्राकृत चिन्मय जगत का किसी भी सेवा नहीं किया, जिससे बन नहीं पाया पूरा जिन्हें, उसी को पकड़ के लाओ। जीवा न भक्ति भगवद गुण भगवद गुण नाम धेयम, जिसका जवान पे भगवान का नाम गुण नहीं आया कभी, जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय न नमति जच्छीर जच्छीर एकदापि तान अनयध्यम असतो अकृत विष्णु कृत्वान अकृत्वान है तस्को तस्माद् संकीर्तनम् विष्णोर् जगत मंगल मंहसाम महतामोपि कौरव्यो विद्वैकान्तिक निष्कृतम्। कितना सुंदर सिद्धांत जमराज ने बताया। तस्माद् संकीर्तनम् विष्णोर् जगत मंगल मंहसाम महतामोपि कौरव्यो विद्वै कांति को निष्कृतम। भले देखो हरिनाम संकीर्तन तस्मास संकीर्त संकीर्तनम विष्णु विष्णु का संकीर्तन ठाकुर जी का जगत में चरम मंगल देने वाले, इसका ऊपर कुछ नहीं है समाधान और कुछ नहीं है। तस्मात संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल मंग हसाम पाप राशि को जला के खाक कर दे महाताम महाताम अपि कौरव्य विध्वई कांति को निष्कृतम। बड़ा बड़ा पाप से सारे आपको क्या कर दे, आपको उद्धार कर दे जाने निश्चय। इसके द्वारा मात पाप सकल का निष्कृति हो जाता है स्वाभाविक, ये नियम है। अब विचार करके इतना सुंदर बताया कि देखो ध्यान से सुनना, हे मेरा जो जमदूत सब सुन रहे हैं, जमराज जी महाराज कह रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा ऊंचा चीज है। तो इसके बाद निर्णय ये हुआ हरिनाम सबसे ऊपर है, उसका ऊपर और कुछ है नहीं। अजामिल का उद्धार ये प्रसंगो हमने तो फिर भी संक्षेप में बताया, ये अजामिल का प्रसंगो बहुत दिन तक चर्चा होना चाहिए होनी चाहिए, तो हम तो संक्षेप में बताए क्या करे, उपाय भी नहीं है समय। और ये षष्ठ स्कंदों का काल आएगा, याद दिला देना, हमारा याद ऐसे ही रहेगा ठाकुर जी का कृपा से। कर्मकांडी जो लोग संसार में कर्मकांडी में लगे हुए हैं, कर्मकांडी का जो जो नेटवर्क कर्मकांडों का जो नेटवर्क आपको घेर के रखेगा पूरा अनंत काल, कर्मकांड चलते रहे और आपको नेटवर्क विस्तार है आपको पकड़ के रखेगा, ये कैसा है इसका बारे में काल चर्चा हुआ। साक्षात इंद्र महाराज जो है उसका हालत कैसा हुआ, आप जैसा छोटे मोटे आदमी का क्या हालत हो सकता है, अभी पूछो समझ के देख रहा। तस्माद संकीर्तनम विष्णु जगतो मंगल मंगसाम महताम अपि कौरव्य विद्वै कांति कनिस्वितम नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम बांछा कल्पतरुष के पास सिंधु पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमो।